हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन बात करेंगे डीटीएससी ऑनलाइन डीटीएससी 12वें मैथमेटिक्स के पेपर 4x6, मतलब मैथमेटिक्स का फोर्थ पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस का। इसमें टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन सिंगल चॉइस के और लास्ट में 4 क्वेश्चन पैसेज है 2x2 के। आफ्टर दैट सेकंड बी में मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चन है और सेक्शन डी में 5 न्यूमेरिकल ग्रिड के क्वेश्चन है। तो चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या क्वेश्चन बोला गया कि लेट fx इक्वल टू दिस पार्ट x पॉजिटिव देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करें। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सोचो। fx गिवन है तो आपको चेक करना है कि अल्फा बीटा से ग्रेटर होता हो f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा होगा और अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। तो कि x पॉजिटिव बोला गया तो अल्फा और बीटा के रेस्पेक्ट इनपुट भी उसका पॉजिटिव होगा क्योंकि जो फंक्शन है वो केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। तो ये लिखना मस्ट है कि अल्फा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो अल्फा और बीटा में f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा में किसकी वैल्यू ग्रेटर है, तो एक काम करें इस फंक्शन को अपन चेक करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 में कंप्लीटली इंक्रीजिंग होगा तो f ऑफ बीटा f ऑफ अल्फा से ग्रेटर होगा और डिक्रीजिंग होगा तो रिवर्स हो जाएगा। और क्या देखो, जब भी ये फिक्स है इंटीग्रेशन पे लिमिट वेरिएबल हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग न्यूटन्स लेवनिज़ फॉर्मूला। क्या आ गया, ये आ गया f डैश x इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करोगे t की जगह 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सिंपल क्या आ गया, fx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब आप बताओ अल्फा लेस देन बीटा है तो f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा में कौन बड़ा होगा, f ऑफ बीटा। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करना तो इसमें सिंपल है, इसमें मेन था थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को वेरीफाई करना। ये तो अच्छी बात है, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, अगर ये मल्टीपल में हो तो फिर इनको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आपको इसको देखना है कि दिस जो इनइक्वलिटी है ये 0 से ग्रेटर में लेस देन होगी या ग्रेटर देन। तो एक काम करें इस tan इनवर्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करके इसको फंक्शन लेट करो hx, ये आपको आना चाहिए। टू फंक्शंस को आपको कंपैरिजन चेक करना है, क्या चेक करना है इनका कंपैरिजन। तो देखो क्या करेंगे अपने इसमें, इसको लेट करते हैं hx equal to, और वैसे अगर थोड़ा केयरफुली देखो तो आप खुद समझ सकते हो कि ऐसे भी देख सकते हो, थोड़ा थ्योरेटिकली समझ सकते हो कि tan inverse x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो tan inverse की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और आप खुद सोचो 0 पे वैल्यू 0 आती है, क्या आती है 0 पे वैल्यू 0 आती है, मतलब x जब 0 से ग्रेटर हो गया, 0 से जब इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो tan inverse की वैल्यू ऐसे जाती है, ठीक है 0 पे 0 फिर वैल्यू आधा बढ़ती जाती है। उसके बाद इसकी अगर आप बात करो देखो fx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx + 5/4 भी कैसा होगा इंक्रीजिंग। और आप खुद सोचो ये जो फंक्शन है इसमें जब आप x को 0 लोगे तो x को 1 लोगे तो देखो f ऑफ 1 0 आ रहा है क्योंकि लिमिट आपकी 1 से 1 है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें x को 1 लेने पे लेफ्ट वाले फंक्शन में x को लेने पे f ऑफ 1 0 आ गया, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू इसकी 5/4 है। तो इसमें 1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू 5/4 है और ये tan इनवर्स 1 क्या होगा, tan इनवर्स 1 भी आपका 5/4 हो गया, मतलब 5/4 लेस देन 5/4 तो फॉल्स हो गया ना। तो 1 पे ये वैल्यू आपकी इक्वल है, 1 पे वैल्यू क्या है इक्वल है, तो वैसे ही फॉल्स हो गया, इक्वल टू आना चाहिए इसमें। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 पे अपन 5/4 मान लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू आपकी 1 से ये इंक्रीज करेगी ऊपर, 1 पे डायग्राम कट करने वाला, 1 के बाद ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ठीक है दिस पार्ट डज दिस पार्ट तो गलत हो गया ना, तो ये पहली बात तो ग्रेटर देन आना चाहिए। और ये इसने 0 से ग्रेटर बोला है, बट मैं ये बोल सकता हूं कि x अगर 1 से ग्रेटर है तो देन आपका ये पार्ट tan इनवर्स से ग्रेटर होगा। और 0 से 1 की बात करो तो आप देखो 0 से 1 में x की वैल्यू 0 से 1 लोगे आप, देखो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव फंक्शन है तो 0 से 1 में तो इसका आउटपुट पॉजिटिव होगा और अगर 1 से 0 करोगे तो आउटपुट नेगेटिव होगा, मतलब 0 से 1 में fx नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू 5/4 से लेस होगी। मतलब सिंपल सी बात ये है, ये डायग्राम आपका नीचे की तरफ जाएगा तो फिर उस केस में उल्टा हो जाएगा। तो ये फोर ऑल x ग्रेटर देन 0 पे फॉल्स होगा, मतलब कोई भी इनइक्विटी करेक्ट नहीं होगी। अगर इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया, फोर ऑल x ग्रेटर देन 1, तो फिर इसमें से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलो क्वेश्चन सेकंड क्या है, कि लेट fx इक्वल टू पाई r इक्वल टू 1 से 2001 x - r,
देन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दिस पार्ट इज इक्वल टू, तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। देखो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं अपन i इक्वल टू 1 से 2001, अपन fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा पाई का मतलब प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट 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 x माइनस 2020 और लास्ट में दो x माइनस 2020। ये आने के बाद देखो क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर दे सीधा, a प्लस b इज रिप्लेस y, इसमें यूज करो प्रॉपर्टी नंबर 4, x इज रिप्लेस y a प्लस b माइनस x, तो जब x को लोअर प्लस अपर लिमिट माइनस x करोगे क्या आएगा 2022 माइनस x, तो सब में क्या करना है x को 2022 माइनस x से रिप्लेस करना है, तो देन ये आ गया i इक्वल टू 1 से 2021, ये जाएगा x 2021 माइनस x 2022 प्लस x था, अगला 2020 माइनस x ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें प्रूफ क्या है x सॉरी 2 माइनस x 2022 लेना है और ये जाएगा 1 माइनस x। इतना आने के बाद थोड़ा केयरफुली देखना ये टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं 2021, मतलब ये ऑड ब्रैकेट्स हैं, तो इन ऑल ब्रैकेट में से जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा ये फंक्शन आएगा दोबारा वंस अगेन fx, बट माइनस कितनी बार कॉमन होगा ऑड टाइम्स कॉमन लेंगे माइनस fx बन जाएगा, तो ये i इक्वल टू a से b fx है, ये i इक्वल टू a से b माइनस fx है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू 0 आ गया, तो i इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑप्शन फिल करना, उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया, एक कर्व इन व्हिच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ इट्स x कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, मतलब एक कर्व है लेट y इक्वल टू fx, इस कर्व के किसी पॉइंट px कॉमा y पे, ये पॉइंट लेट कीजिए px y, इस कर्व पे क्या बोला गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy / dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ इट्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, इस पॉइंट p का जो x कोऑर्डिनेट है उसका लॉग लोगे तो क्या जाएगा log e base x p, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉरी कर्व आपको करना फाइंड आउट, तो क्या सिंपल, तो क्या आ गया ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या जाएगा k लगा दो तो k ln x dx आ गया, अरे dy dx equal to k ln x dx से मल्टीप्लाई, सीधा क्या करते हो वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर सकते हो, तो वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो dy का डिफरेंशिएशन हो गया y इंटीग्रेशन सॉरी k कांस्टेंट है, और ये याद रखो आप कर सकते हो ln x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करते हो 1 लगा के 1 को सेकंड फंक्शन ऐड करो ln x को फर्स्ट, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो x ln x - x, सीधा याद था मेरे को मैंने लिख दिया फटाफट जीरो, तो देन ये आ गया y equal to k और इसमें से x कॉमन तो log x minus 1 और log 1 को लिख सकते हैं log e, तो ये हो जाएगा ln x upon e plus c, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो एक बात ध्यान रखें इसमें जो लिख इसमें ये मेंशन करना भूल चुके हैं कि k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, k इसमें क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है आपका, ठीक है आप लिख देना चाहो तो वेयर k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, चलो तो इसके अकॉर्डिंग अभी तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन 4 क्या बोला गया देखो बेटा, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द a कॉमा 0, एक कर्व की इक्वेशन बता दी जो a कॉमा 0 से पास होगा, फॉर व्हिच द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सेसा ऑफ एनी पॉइंट p, प्रोडक्ट ऑफ द एब्सेसा ऑफ एनी पॉइंट p लाइंग ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट पी है उसकी एब्सेसा एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द नॉर्मलिटी ऑन पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, मतलब इस पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट पी पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे उस नॉर्मल का एक्स के साथ जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पी फ्रॉम द ओरिजिन, उस पॉइंट पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का डबल है। चलो करते हैं एक और अपनी डायग्राम देखो आप, जैसे लेट ये कर्व है आपका, इस पर एक पॉइंट है px कॉमा y, इस पॉइंट पे ऐसे तो टेंजेंट होगी ना और ये लेट इसकी नॉर्मल है, ये इसको a पॉइंट पे कट करती है,
इस OA की लेंथ और इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है उसका मल्टीप्लाई, मतलब x into OA इक्वल टू क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, x का y स्क्वायर का रूट, तो रूट से इसको हटाओगे तो ऐसे जाएगा। हां या ना, ये आपको गिवन है, तो करने से कोई दिक्कत क्या। OA की लेंथ के लिए क्या करोगे, इक्वेशन नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, y माइनस स्मॉल y इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप f डैश x है, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा कैपिटल x माइनस स्मॉल x। OA का मीनिंग इस पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वही इसकी लेंथ हुई होगी, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट को 0 करो, तो जब कैपिटल y को 0 करोगे तो देन कैपिटल x इज माइनस, ये तो अटक गया 0 में, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई x उधर, तो ये आ गया x plus y ऑफ f डैश x। मतलब कुछ नहीं करना है, इस सारी थ्योरी को पढ़ के या क्वेश्चन को रीड करके अपन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना फर्स्ट ऑफ ऑल, और डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद उसके क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो देन वी विल गेट इक्वेशन ऑफ द कर्व y equal to fx। तो देखो x की वैल्यू पुट कर दे, कोई x तो क्या गए ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस xy f'x का मतलब dy/dx equal to the same 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो x square से x square चला गया, तो क्या आ गया equal to x square plus 2y square, तो इसको हटा देना से या अगेंस्ट स्टेप में हटा देना, और देखो ढंग से इसकी डिग्री 1 ये डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो इट इज बिकम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो इसको सॉल्व करने की बात करते हैं, तो इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन शायद। तो ये आ गया फाइनली x y dy dx equal to x square plus 2y square, तो अब क्या करोगे x y से डिवाइड करो, तो then we will get dy dx equal to x square plus 2y square equal to x y, तो it is become homogeneous differential equation। तो homogeneous के केस में क्या करते हैं, y equal to let करते हैं u x, तो चलो value put कर दें, इसका dy dx क्या है, u plus x dy dx, इधर जब y को ux लोगे तो क्या आ गया, y को ux लोगे तो x पर तो कॉमन आ गया, ये आ गया बेटा 1 plus 2 u square upon this is u into x square, ये लो x पर से x पर कैंसिल आओ, u को उधर शिफ्ट किया तो then x dy dx equal to क्या आ गया देखना रहे, 1 plus 2 u square upon u minus k u, तो एक u square कैंसिल हो जाएगा ऐसे करने, तो क्या आ गया फाइनली x dy dx equal to बोलो 1 plus u square upon u, तो देखो du के साथ तो u की टर्म शिफ्ट कर सकते हैं और dx के साथ x, मतलब आपस में we can use separation of variable या variable separation कर सकते हैं, तो u आपके इधर आ गया तो क्या आ गया dy du 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 और 1 plus u square divide में आ गया, और इधर क्या आ गया dx multiply में x divide में, तो dx by x। अब both side क्या करना है, integration 1 upon x का तो जाएगा log x, हटा दे इसको, तो क्या आ गए, देखो सिंपल सी बात, डायरेक्ट देखो इसको t माने पे 2u du dt में चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा 1 by 2 log 1 plus u square, 1 by 2 log 1 plus u square equal to this is ln x plus ln c। देखो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, पावर में लेके चले जाओ, तो पावर में लेके जाओ क्या जाएगा 1 plus u square की पावर 1 by 2 ln equal to ln of xc, ln से चला गया इस पर करने पे क्या जाएगा 1 plus u square equal to बेटा x square into c square। अब क्या करो, u की वैल्यू पुट कर दो y by x, तो y अपन x लिख के जाएगा y square upon x square, x square ऐसे लेने पे आ गया x square पे y square equal to upon में x square तो x square हो जाएगा आपका, ठीक है, ये finally आ गया। अब आपको c की value चाहिए, तो question में एक बात बोली गई है, क्या बोल रहा है, हाँ it is passing through the a comma 0, मतलब x को a लेने पे y आपका 0 है, तो देखो इसमें x को a लो y को 0, तो क्या आ गया x को a y को 0, तो y 0 पे 0 आ गए, तो आ गया a square equal to a4c square, तो then इससे सीधा आ गया c square equal to 1 by
इस पर तो सी स्क्वायर को पकड़ो तो 1 बाई स्क्वायर इधर आ गया ना, तो फाइनली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, सॉरी कर्व की इक्वेशन क्या होगी, a स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4। हां इसके अकॉर्डिंग देखो इसका फोर्थ ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें होमोजेनियस, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर होंगे कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको स्टेटमेंट की फॉर्मेट में, मतलब एक 2D की फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, तो आपको उसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग आप कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया बेटा, ए सर्किल ऑफ रेडियस यूनिट, मतलब एक सर्किल जिसकी रेडियस 1 होनी चाहिए, इज सेंटर एट ओरिजिन, और उसका सेंटर क्या बोला गया, चलो जो बोला गया वो करते हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस की 1। आफ्टर दैट बोला गया टू पार्टिकल्स स्टार्ट moving at the same time from the point 1, 0, मतलब two particle हैं, ये point कितना 1, 1, इस point से दोनों क्या करते हैं, move करते हैं start, इस point से moving start करते हैं, इस point से move start करते हैं, मतलब from the point and around the circle, और circle के round को move करेंगे, in opposite direction, मतलब एक अगर ऊपर की तरफ move करता है, downward आपका move करेगा। One of the particle move counter clockwise direction and other is the clockwise direction. और let इसकी speed बोली गई है v और इसकी speed बोली गई थी, मतलब ये जितनी distance travel करेगा उससे थाई distance travel करेगा आपका, सीधी सीधी बात ये। फिर क्या बोलेगा, after leaving 1, 0, मतलब 1, 0 से move start करने के बाद two particles meet first at a time point, मतलब ये इधर move किया इधर move किया, तो ये फर्स्ट टाइम किसी पॉइंट पी पे मीट करते हैं, मतलब एक बार मीट कर देंगे दोनों को 100% मीट करेंगे सर्किल पे। मीट करने के बाद अगेन क्या बोला गया, कंटिन्यू टिल दे मीट नेक्स्ट पॉइंट, फिर दोबारा मीट करने, अरे यार इधर चलो मीट करते रहोगे बार बार, और वो अगेन पॉइंट पी पे मीट करते हैं, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम वो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, उस पॉइंट का नेम होगा पी। तो एक बात बताओ, ये v स्पीड से चलेगा 3v स्पीड से, तो एक बात ये देखो ना, मतलब ये सर्किल का अगर 3/4 टाइम मूव करेगा, तो सॉरी ये सर्किल का जितना पार्ट मूव करेगा ना, ये इससे 1/4 पार्ट मूव करने वाला है। अगर ये टोटल आपका जो पाथ है, ये टोटल सर्कमफेरेंस अगर 4x है आपकी, तो क्या होगा, जिसकी स्पीड v है ये इसका 4th पार्ट ट्रैवल करेगा, ये इसका 3/4 पार्ट, तो ये तो आपका ट्रेवल करेगा x upon 4 डिस्टेंस, ये ट्रेवल करेगा 3x upon 4 डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या होगा, बेसिकली देखो सिंपल सी बात ये, ये टोटल एंगल अगर 2 पाई है तो ये कितना एंगल चलेगा उसका, अरे यार सर्कमफेरेंस का मतलब ये सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ करेगा, वो भी तो सेम है ना, तो ये टोटल एंगल 2 पाई है, तो ये तो 2 पाई का 4th टाइम आपका मूव करेगा जिसकी स्पीड भी है, तो ये तो आपका पाई बाय 2 चलेगा, और ये कितना चलेगा 3 पाई बाय, उसका मीनिंग ये जो b स्पीड वाला है, ये अगर इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये देखो सिर्फ ट्रिपल, ये 90 चलेगा, तो ये 3 पाई बाय, मतलब पहली बार तो ये मूव करेंगे 1, 0, 1, ये पॉइंट पे आ गया। अब ये जो 3 स्पीड वाला है वो इधर आ गया, अब ये क्या होगा, ये जब अगेन 3 पाई बाय 2 चलेगा, तो इस पॉइंट को 3 पाई बाय 2 घुमाओगे तो पाई बाय 2, तो ये इधर आ गया, और ये जो b स्पीड वाला है इस पॉइंट से अगेन पाई बाय 2 चलेगा, देख लो मतलब वंस ये पॉइंट q आ गया -1 को, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है इसको मैथमेटिकली, मतलब सिंपल एक थ्योरेटिकली समझ सकते हो डायग्राम के, तो -1, 0 पे मीट करेंगे तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, हां लेट क्वेश्चन में गिवन है 2a ग्रेटर देन -1, मतलब a आपको -1 से ग्रेटर गिवन है, माइनस हाफ से ग्रेटर है। The area of the region of the plane defined by this part is equal to the 3, मतलब इस plane region से defined area आपको 3 गिवन है, then a lie in which interval, a किस interval में lie करता है। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, अपन एक बार इसका region draw करते हैं, एक तो बोला गया x equal to जो दिस पार्ट होगा, एक आपको 2y greater than equal to x की लाइन गिवन है,
तो 2y equal to x क्या होगा? A line passing through the origin. ये आ गया 2y equal to x. उसके बाद अपन को कौन पोर्शन कौन से लेना है? देखो जब भी अपन को देखना है कि ये लाइन है, इसका अप लेना है डाउन, तो एक पॉइंट पुट करके देख लो. जैसे इधर एक पॉइंट मान लिया मैंने 1.0, अगर इसको 1.0 करके सेटिस्फाई करो, ये लोअर पार्ट होगा, अदरवाइज अपर पार्ट फिक्स है. तो x को 1, y को 0 लेने पे 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स आ रहा है. इसका मीनिंग ये लाइन के अप पोर्शन होगा. ये बात ये आने के बाद अब आपको सेकंड इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है. अब देखो इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ कैसे करोगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है. अपन को पता है इसको ड्रॉ करेंगे तो देखो इसको एक काम करो, लाइन लेट कर दो पहले, ax + y इक्वल टू लेस देन को बाद में देखना. वैसे दिख रहा है मेरे को, चलो ठीक है. तो इसमें क्या होगा, x को 0 लेने पे तो y 3 आ रहा है, इसका मतलब ये इस पॉइंट से तो हमेशा पास हो रहेगा, ये 0 को 3 से तो पास कर रहा है. अब इसमें जो इसका स्लोप है ये कोएफिशिएंट ऑफ x, a नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो डायग्राम ऐसे बन सकता है, डायग्राम ऐसे बन सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, डायग्राम कैसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, ये इस लाइन को तो इंटरसेक्ट करेगा ना. तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं फाइंड आउट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसमें बेनिफिट क्या होगा. तो चलो ये लाइन क्या है अगली, x = 2y, तो मैं चलो x को 2y पुट करूंगा, क्या जाएगा ये 2a + 1y = 3, तो इससे y तो आ गया सीधा 3 / 2 + a, तो y आ गया, तो x इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा ना. तो देन ये जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 6 / 2a + 1, 3 / 2a + 1. और अब आप देखो मुद्दे की बात क्या है, लॉजिकली डिपेंड करेगा a पे पॉइंट. क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, a आपका माइनस हाफ से ग्रेटर है, इसका मीनिंग a अगर माइनस हाफ से ग्रेटर है तो 2a + 1 आपका पॉजिटिव होगा. पॉइंट a लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट a लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अब अगर ये समझ में आ गया तो देखो क्या करना है, एक बात बताओ, जब आप इसमें y को 0 लोगे तो x क्या आएगा, इससे बताओ 3 / a. अब a नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, a नेगेटिव होगा, देखो a नेगेटिव होगा फिर भी डायग्राम आप ऐसे बनाओगे तो भी वो पॉइंट इधर कट करना चाहिए, तो फिर रिक्वायर्ड ये क्या होगा, ये वाला. तो अभी भी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, OBA, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट. तो ये पॉइंट तो कितना, 0.3 है ना. तो आप अगर a नेगेटिव लेके काम कर दो तो इसका एरिया गया हाफ OB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो OB की लेंथ तो 3 है ना, पॉइंट a से परपेंडिकुलर हाइट के लिए आप इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट, दिस इज 6 / 2a + 1, ये आपको डिविडेंड 3, OB आपका 3 है तो 3 से 3 चला गया, तो ये 3 आ गया ना. तो क्या है, 3 / 2a + 1 = 3. तो देन इसको कैलकुलेट करोगे तो a आपका बना जाएगा, हां है ना, a नेगेटिव है. अगर a बाय चांस आपका पॉजिटिव होगा तो a को पॉजिटिव लेने पे देखो क्या होगा, इसको हटा दीजिए. अगर आप a को पॉजिटिव लेट करते हो तो इस केस में इसके डायग्राम का बिहेवियर कैसा रहा होगा, ये तो लाइन फिक्स है आपकी, a अगर पॉजिटिव होगा तो ये तो 0.3 आपका, तो वंस अगेन डायग्राम ऐसे होगा, तो ये पॉइंट आपका a है, तो वंस अगेन एरिया ही डेल्टा OAB हाफ, बेस को OB मानोगे तो हाइट तो अभी भी सेम होगी ना, तो हाइट भी सेम है, तो अगेन भी a की वैल्यू आपकी बनाने वाली है. समझे मेरी बात को, तो क्वेश्चन में ये मेंशन करना मस्ट था, अदरवाइज क्वेश्चन फिर गलत हो जाता, गलत का मतलब फिर केसेस ज्यादा होंगे आपके, फिर अगर ये पॉइंट इधर कट करता है यूं तो फिर उस केस में अलग मैटर से आंसर आएगा, फिर a की वैल्यू अलग होगी 100%. अभी तो दोनों केस में कोई भी लो, आप a नेगेटिव मानो, मतलब नेगेटिव मतलब माइनस हाफ से जीरो के बिटवीन लेट करो, या a को जीरो से ग्रेटर लेट करो, दोनों केसेस में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में होगा. तो ट्रायंगल ये लो ये लो, एरिया दोनों में सेम ही होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि बेस भी दोनों में फिक्स्ड है और हाइट की लेंथ भी दोनों में सेम है, तो दोनों केसेस में a आपका बनाएगा. तो सिर्फ पूछा a लाइज इन व्हिच इंटरवल, तो देखो 1 किसके अंदर आ रहा है, 3/4 से 3/2, यस सर ये आ गया, तो इस सेकंड ऑप्शन का फाइनल आंसर है, ये 1/2 से बड़ा है, ये सॉरी 1.5 से बड़ा है, ये 2.5 से बड़ा है, और ये आपका 3/4 मतलब 1 से छोटा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की.
अगला भी पैसेज गिवन है आपको, टू पैसेज गिवन, सॉरी टू पैसेज है, तो पहले पैसेज 1 में 7 और 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। पैसेज को रीड करें, लेट fx बी ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3, fx आपका डिग्री 3 का पॉलीनोमियल है, f ऑफ -1 10 गिवन है, इसको लिख लेते हैं क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, f ऑफ -1 को 10 गिवन है, f ऑफ 0 5 गिवन है, fx एज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, तो -1 पे अगर इसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कुछ भी हो f डैश -1 0 का फिक्स है, तो लिख देते हैं f डैश -1 इक्वल टू 0, एंड f डैश एज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, तो f डैश x का x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा, इसका मतलब f डबल डैश x f डबल डैश 1 इज आल्सो 0, तो देन आपको 1/1 बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या स्टेटमेंट है पढ़ो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, कर y इक्वल टू fx दिस पार्ट, सी f डैश 5 से इनफिनिटी में f ऑफ c 0 हुआ क्या, 0 से 1 में fx डैश की वैल्यू क्या होगी, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा -22 पे हुआ क्या, तो मतलब फंक्शन को फाइंड आउट करना मस्ट है। और अगले पार्ट में gx फंक्शन गिवन है बहुत खतरनाक सर, फिर देखना है g डैश x पॉजिटिव -∞ से 0 नेगेटिव 0 से इनफिनिटी, मतलब इन ऑल फोर ऑप्शन में आपको देखना है कि g डैश x -∞ से 0 और 0 से इनफिनिटी में नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रहा होगा, ठीक है ना, तो चलो अपन 1/1 बात करेंगे बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले फंक्शन लाने की ट्राई करते हैं, तो चलो देखो कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, देखो वही पता है fx अगर क्यूबिक बोला गया है तो f डैश x क्वाड्रेटिक होगा और डबल डैश x एक लीनियर फंक्शन है, तो देखो f डबल डैश x अगर लीनियर फंक्शन है और f डबल डैश 1 0 इसका मतलब f डबल डैश x का ही रूट पता है x इक्वल टू 1, तो f डबल डैश x आपका लीनियर है और उसका रूट अगर 1 है तो f डबल डैश x क्या होगा x माइनस 1 होगा, बट इसमें लिखना क्या होगा a कोफिशिएंट ले लो, लेट a ये डबल डैश क्योंकि इसका 1 रूट है ना, और देखो एक बात और ये 1 पे 0 आ रहा है, f डैश 1 इसने स्पेशल लोकल मिनिमम बोला है मैक्सिमम बोला, एक बार देखना, हां लोकल मिनिमम है x इक्वल टू 1, तो अगर इसका लोकल मिनिमम है तो आपका साइन लेफ्ट से राइट जाने पे माइनस से प्लस आना चाहिए, इसका मतलब a का पॉजिटिव होना मस्ट है इसमें, तो इसमें कंडीशन है a पॉजिटिव होगा, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए, ये आने के बाद इसका दोनों तरफ क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो f डबल डैश x का तो आएगा f डैश x, ये कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन करो x स्क्वायर / 2 1 का x और प्लस कांस्टेंट लगा दो लेट b, अब a और b की वैल्यू के लिए क्या करें, धीरे-धीरे आगे बढ़ना स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन में एक बात बोलेगी f डैश -1 0, चलो एक काम करो इसमें f डैश -1 को 0 कर देते हैं, तो f डैश -1 0 इक्वल टू क्या आ गया a, हां भाई ये क्या आ गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो एक काम करो मैं b को पुट कर सकता हूं माइनस की 3/2, तो इसमें b को जब माइनस की 3/2 पुट करोगे बेटा तो देन f डैश x क्या जाएगा बताओ, इस b को क्या पुट करना बताओ माइनस की 3/2, तो देन एक काम करें a कॉमन ले लेते सुंदर सा, तो a कॉमन लेने पे क्या जाएगा आपका x स्क्वायर / 2 माइनस x और माइनस की 3, ये लो एक तो कम हुआ वेरिएबल f डैश x आ गया, अपन को f ऑफ 0 f ऑफ माइनस की वैल्यू गिवन है, तो काम करो उसको वंस अगेन कर दो इंटीग्रेट, तो f डैश x का तो जाएगा fx ये कांस्टेंट है जी, इसका क्या होगा x क्यूब स्क्वायर का x क्यूब / 3 तो 6 हो गया, दोबारा c लगा दो, अब a और c की वैल्यू चाहिए, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, क्योंकि इसमें मेंशन है f ऑफ 0 5 है, x को 0 लेने पे f ऑफ 0 5 आ रहा है, तो चलो सबसे पहले x को 0 पुट करो, तो सारे 0 तो c तो सिंपल 5 आ गया, c तो सिंपल क्या आ गया 5, ले लो मजा आ गया, c 5 आने के बाद एक बार x को पुट करोगे -1, तो x को -1 लेने पे वैल्यू 10 गिवन है इसमें, तो x को -1 पुट करने पे क्या आएगा दिस पार्ट a, x को -1 तो -k 1/6 माइनस के हाफ होगा प्लस के 3/2 और c को 5 पुट कर दो साथ के साथ, तो a कितना आएगा देखो रे 10 5 इधर तो 5 आ गया, ये जो भी जब आप 6 एलसीएम लोगे एक काम करो ना माइनस के हाफ और प्लस के 3/2 प्लस के बना गए ये लोग, अब
1 माइनस हमारी 6 इज 5 बाई 6 इज 5 से 5 चला गया तो ए आपका सिंपल 6 आ गया, मतलब फंक्शन आ गया मेरे पास, सिंपल सी बात है। क्या चुका फंक्शन, तो एक काम करें जब फंक्शन आ गया ना तो सब हटा के फंक्शन लिख लेते हैं, इसका काम यही था बस। देखो फंक्शन क्या आ गया, fx equal to a को क्या लेना, बोलो 6 लेना, तो a को 6 लेके पुट अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a को 6 पुट करके मल्टीप्लाई तो क्या आएगा x2, टाइम बचाने का तरीका है 3x स्क्वायर, 6 लेने पे माइनस के 9x, यस सर 18 9 और प्लस c 5, ये आपका फंक्शन आ गया fx। अब फंक्शन आने के बाद अपन आगे की बात करते हैं, अब अपन क्वेश्चन को रीड करेंगे, सब कुछ हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं हमको, क्योंकि अपना मेन जो काम था वो यही था कि फंक्शन को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, नॉर्मल का स्लोप पॉइंट पी पे, पॉइंट पी क्या है जिसका एक्स एक्सिस 0 है, तो पॉइंट पी का अगर एक्स एक्सिस 0 है तो पॉइंट पी क्या होगा, एक्स को 0 लेने पे वाई 5 आ गया, तो इसका एवरेज करो सबसे पहले, तो एवरेज कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 9, तो देखो पॉइंट पी पे x को 0 लेने पे एवरेज 0 कितना आ रहा है माइनस के 9, तो टेंजेंट का स्लोप माइनस के 9 है तो नॉर्मल का स्लोप उल्टा नेगेटिव, तो 1/9, यस सर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट है, इसने बोला रॉन्ग ऑप्शन होता हुआ। सेकंड ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ c 5 से इनफिनिटी व्हिच एवरेज c 0, मतलब ये कह रहा है कि 5 से इनफिनिटी में c की ऐसी वैल्यू है क्या जहां f ऑफ c 0 हो गया, तो देखो इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अपन को पता है जो fx एक क्यूबिक फंक्शन है तो उसका डायग्राम बनेगा वो, उसके कितने भी रूप हो सकते हैं, तो एक काम करो इस f x की नंबर लाइन बनाओ, 3 कॉमन लो ले x स्क्वायर माइनस 2x माइनस की 3, तो देन क्या आ गया 3 इनटू x माइनस 3 इनटू x प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3 पे 0 होगा ये माइनस 1 पे प्लस माइनस प्लस, तो देखो माइनस 1 पे लोकल मैक्सिमा होगा और 3 पे लोकल मिनिमा, तो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है माइनस 22 पे लोकल मिनिमा, तो गलत है, तो इसका आंसर तो फोर्थ आ गया, फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको सेकंड और थर्ड को देखना है देखो क्या करना चाहिए, बोला ना fx इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू माइनस 22, रॉन्ग आंसर है इसका, fx पता है तो 0 से 1 में इंटीग्रेशन की वैल्यू कर लेना वो तो आपका माइनस 1 आंसर आ जाएगा, सिंपल है। आपको सेकंड ऑप्शन को देखो कि f ऑफ c को 0 लाना है, c अगर 5 से इंफिनिटी हो, देखो सिंपल सी बात ये अपन इसका डायग्राम बना लेते 5 से लेकर, ये 5 है इसके लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम किस पे होंगे माइनस 1 पे और 3 पे, और 0 पे वैल्यू क्या है इसकी 5, 0 पे तो आ गया 5, फटाफट एक काम करो f ऑफ माइनस 1 और f ऑफ 3 की वैल्यू देख लो आप, इसमें f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आने वाली है, तो x को 3 लोगे आप, ये मेरे को पता है एक माइनस 3 पे तो लोकल मिनिमा होगा, तो लोकल f ऑफ 3 अगर पॉजिटिव आ गया तो डायग्राम यू बन जाएगा और इस पे कुछ भी और से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक काम करो f ऑफ 3 की वैल्यू देखो 3 लेने पे 27 वंस अगेन 27 माइनस के 27 प्लस 5, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया, तो एक काम करो मेरे को पता है इसका जो रफ डायग्राम बनाऊंगा ना क्यों भी फंक्शन है तो 100% माइनस में लेने पे देखो पॉजिटिव रख लो माइनस नहीं लो पूरा देखने के लिए कितना जाएगा माइनस में माइनस 3 प्लस तो पॉजिटिव आ रहा है पर वैल्यू बड़ी है तो इसका एक्जे डायग्राम बनाओगे तो यू जाएगा ये यू जाके अब ये देखना है कि 5 के इधर होगा किधर तो 5 पे वैल्यू देख लो तो 5 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव आती तो ऊपर जाएगा तो करके देखना 5 पे वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है तो इसके जो रूट्स है ना वो केवल एक 3 से 5 होगा एक 0 से 3 होगा और एक माइनस 1 से लेस होगा एओडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स के नेचर को चेक करना कि रूट्स किस इंटरवल में लाई कर सकते तो आप डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं तो एओडी पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है क्यूबिक फंक्शन का है, किसी का भी ठीक है ना चले तो इसके अकॉर्डिंग अभी तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही रॉन्ग होगा ठीक है चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया ये लो तो इसमें अपन को फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो बाकी सबको रिमूव कर देते हैं तो देखो क्या करेंगे इसमें अब देखो अपन को एक क्वेश्चन के लिए क्या करना अपन को g'x को लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना g'x को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें इसका कर दे डिफरेंशिएशन
न्यूटन से लेफ्ट की फॉर्मूले से क्या आएगा जी डेस एक्स, ये आ गया जी डेस एक्स इक्वल टू एफ डबल डेस ई की पावर माइनस एक्स, अरे अपर लिमिट को पुट करना है टी की जगह, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स का ही आ गया, ये जी डेस एक्स आ गया। उसको थोड़ा केयरफुली देखो आप, एक काम करें, अपन ने जब एवरेज एक्स फाइंड आउट किया था तो किस में एवरेज एक्स की जरूरत पड़ेगी, अपना एवरेज एक्स कहता है a into x minus 1, और a कितना था 6 था, तो चलो पुट कर दो, तो क्या आ गया minus 6 a को 6 ये ले और e की पावर अपॉन, एक काम करो उसमें a की पावर minus 2x कॉमन लेते हैं, तो a की पावर minus 2x कॉमन लोगे तो क्या जाएगा a की पावर 2x, ये 1 बन जाएगा और ये a की पावर x, एक काम करो रे इसमें से भी a की पावर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो a की पावर माइनस टू एक्स, a की पावर माइनस टू चला गया और ये आ गया 1 माइनस c की पावर x, और माइनस को में भेज दो तो 1 सगे e की पावर x हो जाएगा, मतलब फाइनली इससे अपन लिख सकते हैं फंक्शन इज, अब इसको हटा दो इसको कोई जरूरत नहीं, मतलब अपना फाइनली इससे g dx x आ गया बेटा 6, ये तो गया e की पावर x को माना 6 है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस, और देखो ढंग से अगर इसमें e की पावर x को t मानते हो इसका d नेगेटिव है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो केवल इसी पे काम होगा, हां ये 0 को होगा जब x को 0 लोगे प्लस माइनस कुछ नहीं है, x जब नेगेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू सॉरी x 0 से लेस लोगे तो नेगेटिव है और 0 से ग्रेटर पे हमेशा पॉजिटिव होगा, देख के इसको g'x is positive on minus infinity से 0 और g'x negative wrong, g'x is negative minus infinity 0 and positive in 0 से infinity, तो then इसका second option correct होगा। उसके बाद देखते हैं अपन next passage क्या अपना, इसमें two question है 9th तक क्या बोला गया, देखो two point given है a and b, two fixed point p moves on a plane such that pa equal to nb और n कोई भी positive quantity, on the basics of our information answer the following questions, first question kya ki n not equal to 1 is the locus of p, point p ka locus kya hoga straight line circle parabola ellipse, next question padh lete hain, n agar 0 to 1 hai to first of all ye dekhna hai ki n agar aapka not equal to 1 hai, not equal to 1 ka matlab n 0 se 1 hoga ya 1 se infinite, to batao locus kya hoga, aur agar locus pata chal gaya to n by chance agar 0 to 1 hai तो देन आपको चेक करना बच्चों कि जो पॉइंट ए और बी है, ए लाइज इनसाइड द सर्किल बी लाइज आउटसाइड द सर्किल, इसका मतलब फिक्स हो गया कि 0 से 1 में तो इसका जो लोकस है वो सर्किल होगा, क्योंकि ऑल फोर ऑप्शंस में सर्किल की बात की, चलो अपन देखते हैं प्रॉपर्ली, तो आते हैं अपन क्वेश्चन पे, तो क्या करें पॉइंट पी एक्स वाई लाइज कर दो जिसका लोकस सी सीधा एच के लाइज करने के बाद क्या मीनिंग एक्स वाई पर करोगे तो सीधा पी इक्वल टू एनपी बी, PA का मीनिंग पॉइंट की A से डिस्टेंस, तो क्या होगा x plus 3 का स्क्वायर plus y स्क्वायर equal to, मैं सीधी स्क्वायरिंग कर देता हूं तो रूट हट जाएगा, ये आ गया PB का मतलब x minus 3 का स्क्वायर plus of y स्क्वायर, देखो सबको अपन एक तरफ लेके आ जाते हैं, जब आप एक तरफ लेके आओगे देखो x स्क्वायर x पर कॉमन तो क्या आ गया 1 minus n स्क्वायर into x स्क्वायर प्लस अगेन y स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 1 माइनस n स्क्वायर, ये क्या था x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, तो एक काम करते हैं उधर भेजो n स्क्वायर को x स्क्वायर कॉमन लेने पे आ गया n स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना, और उधर शिफ्ट किया तो वंस अगेन n स्क्वायर माइनस 1 इनटू y स्क्वायर, उसके बाद देखो इससे क्या आने वाला है, इससे आएगा माइनस k 6x n स्क्वायर और इससे होगा माइनस k 6x, ठीक है लिख दिए, और इससे देखो बाद में ये आएगा प्लस k 9 n स्क्वायर माइनस k 9 इक्वल टू जीरो, अपन एक लाइन और लिखते हैं तो फाइनली इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस
n स्क्वायर माइनस 1 इनटू y स्क्वायर, इसमें जब 6x कॉमन लोगी तो once again आ गया n स्क्वायर प्लस 1 इनटू 6x, और प्लस इसमें भी कॉमन लोगे 9 तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं देखो सारे केसेस आपको डिस्कस करके दिखा देता हूं। इफ अगर आप n को 1 पुट कर दो, n को 1 लेने पे क्या होगा, 0 0 0 x इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 0 का मीनिंग इसका जो लोकस है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो अगर n आपका नॉट इक्वल टू 1 है, ये 0 टू 1 या 1 से 2, देखो ढंग से x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा, दोनों सेम है ना, तो इट इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इसका लोकस क्या होगा, सर्किल की इक्वेशन होगी, तो एक तो काम हो गया ये। तो देखो क्या करना उसके बाद, हां इसमें देखो जो मेन स्टेप वो क्या रहेगी, तो n नॉट इक्वल टू 1 पे इसका लोकस क्या आएगा सर्किल। अब ये बोला है कि पॉइंट ए है माइनस की 3, 0 और पॉइंट बी 3, 0, कौन सा पॉइंट इस सर्किल के आउटसाइड होगा इनसाइड, तो देखो उसमें स्टूडेंट बेसिकली गलती क्या करते हैं, ये सर्किल की अगर इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस n स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना मस्ट है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सर्किल को लिखोगे s इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लेना सर्किल की, माइनस आ गया n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 6x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आराम से इसमें x को माइनस 3 पॉइंट a पुट कर दो ना, पॉइंट a पुट किया माइनस के 3, 0, तो देखो पॉइंट a पुट करो तो y तो 0 हो गया था, तो ये कितना आएगा 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18 आ गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं इसमें, हां ठीक है ठीक ठीक। उसके बाद अगर ये किया तो क्या आ गया, और माइनस 3 लोगे तो देखो माइनस 3 पे क्या आएगा, ये जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 लेने पे प्लस के 18 हो जाएगा, हां है ना आ गया ना। अब इसके बाद थोड़ा हां सॉरी प्लस 18 हो जाएगा, 18 कर देते हैं। इसके बाद देखो क्या करना है, n आपका 0 से 1 है, क्या है n 0 से 1 है, तो ये वैल्यू आपकी होगी नेगेटिव, क्या होगी वैल्यू नेगेटिव, क्या होगी बोलो वैल्यू नेगेटिव, और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में ज्यादा होगी 18 से, तो ये वैल्यू आपकी s पर नेगेटिव आने वाला है, मतलब a के रेस्पेक्ट में वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो a के रेस्पेक्ट में वैल्यू नेगेटिव होगी तो पॉइंट a लाइन सेट ही सर्किल, और ये भी कर सकते हो आप चाहो तो, देखो इसमें थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आने की, सर क्या करें n को, आप n को लेके देख लो उससे करके देख लेना, क्योंकि n को 0 से 1 लोगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी और 1 से लेस होगी, तो ऊपर जाके नेगेटिव ये माइनस 18 से बड़ा हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो फाइनली ये s पर नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो आप, इसको ऐसे रखो, बट इसमें करने में क्या दिक्कत है, ये ध्यान रखें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो बेटा वो पॉजिटिव होना मस्ट है, देखो इसमें n अगर 0 से 1 है तो अभी ये कोफिशिएंट आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तो अगर आपने डायरेक्ट पुट कर दिया इसमें -3, 0 तो सॉल्व करने पे s की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो आप इसको आउटसाइड मान के काम कर दोगे ये को, ठीक है। तो अगर डिवाइड किया तो बहुत बेटर है, तो इसमें जब कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है उसको पुट करने के बाद आप समझ सकते हैं ना, ये तो 1 से बड़ा, n स्क्वायर 0 से 1 होगा, 1 माइनस 0 से 1 नेगेटिव, और वो नेगेटिव में 0 से माइनस करके बेटे बने, तो उसको रिवर्स करने पे वैल्यू -18 से लेस होगी, तो 18 माइनस 18 से लेस आपका नेगेटिव होगा, तो देन s1 इज नेगेटिव, और पॉइंट b पुट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट b में तो 3, 0 आ गया, ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना, करके देखना, क्योंकि इधर माइनस आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो s2 आपका पॉजिटिव, मतलब पॉइंट b को पुट करने पे वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो पॉइंट a लाइज इनसाइड द सर्किल एंड पॉइंट b लाइज आउटसाइड द सर्किल, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल, अदरवाइज ऑप्शन सारे दे रखे हैं इसमें देखना ध्यान से, ठीक है चलो। तो अब अपन बात करते हैं सेक्शन b की, तो देखो सेक्शन b का क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन touch the curve mod y equal to x square and x square plus y minus 2 का whole square equal to 4 where x not equal to 0, मतलब आपको क्या करना है, this curve और this curve की common tangent आपको find out करनी है, touch the line, तो दो एक line जो बहुत curve को touch करती है उसको क्या बोलते हैं common tangent, तो इसमें दो cases होंगे, एक curve इसका लोगे second circle लेना है
फिर सेकेंड कर्व इसमें से लोगे, फिर अगेन इसका कर्व, मतलब वन बाई वन बात करेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या है, मोड वाई इक्वल टू एक्स का मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट केस क्या होगा, लेट वाई इक्वल टू एक्स कर लो, और ये सर्किल के मैंने, सर्किल का सेंटर 0.2 है और रेडियस इज ऑल्सो 2, तो देन सर्किल तो ड्रॉ होगा आप कैसे, जिसका सेंटर है 0.2, और वाई इक्वल टू एक्स कर क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो देखो एक कॉमन टेंजेंट उसकी x एक्सिस है, बट इसने मना किया है x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग इसकी जो कॉमन टेंजेंट है वो बेटा ऐसे होने वाली है। तो क्या करें, जब भी टू कर्व की कॉमन टेंजेंट को फाइंड आउट करना है, तो उसका बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इस कर्व पे पॉइंट लेट करते हैं p, x को t लोगे तो y क्या गेट इस पर। देखो बेसिकली अगर ये पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता, फिर तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेट करो y इक्वल टू mx प्लस c, और पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंट c इक्वल टू a by m, या तो आप क्या करो y इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंट c याद करो, या फिर अपन मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो पॉइंट अगर ये लेट किया, तो देन इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या करोगे आप, इस कर्व का dy dx क्या होगा 2x, और इस कर्व में पॉइंट पुट किया x, तो क्या आ गया 2 ऑफ t, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 2t है, तो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप 2t x माइनस t, ये सॉरी t स्क्वायर। तो देन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, सब पे एक तरफ ले आओ 2t x माइनस के वाई प्लस के टी, सॉरी टी स्क्वायर और माइनस टू टी स्क्वायर, तो इस फाइनली आ गया माइनस के टी स्क्वायर, ये आपकी टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है, तो टी की वैल्यू पुट करनी इसमें, तो इस टी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, सेंटर से इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, रेडियस की, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये ऑल्सो टच दी सर्किल, तो सर्किल का सेंटर 0.2 है, रेडियस आपकी ऑल्सो 2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, x को 0 पुट करोगे y को 2, तो माइनस 2 माइनस t स्क्वायर का मोड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ गया 4t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। अब आप क्या करना है, इसकी बोथ साइड क्या कर देना स्क्वायरिंग, तो इसकी जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो t स्क्वायर में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनने के बाद इसमें क्या करना है अपन को, इससे आपको t की वैल्यू होगी फाइंड आउट, और बेटा इससे सॉल्व करोगे जब आप, तो इससे t स्क्वायर आने वाला है 12, तो इससे t आ जाएगा आपका, अभी कैलकुलेशन आप करना प्लस माइनस 2√3, तो देन जब आप t की वैल्यू को वंस अगेन इसमें पुट करोगे ना, तो क्या जाएगी टेंजेंट, पुट कर दो t को, तो t को प्लस के साथ पुट करो, क्या आ गया 4√3x माइनस t स्क्वायर 12 इक्वल टू y, ठीक है ना, एक टेंजेंट तो क्या होगी y इक्वल टू 4√3x माइनस 12, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर माइनस लोगे तो ये दोनों माइनस में होंगे तो सारा कुछ प्लस में होगा, ये ऑप्शन तो इसके अंदर है नहीं ना, क्योंकि सब में रूट फाइव आ रहा है, एक दो आंसर है बट एक आंसर ही आ गया, क्योंकि एक कॉमन टेंजेंट इधर भी तो होगी ना दोनों की, तो सेकंड पार्ट ये होगा इसमें, तो एक तो बात हुई है। अब अगेन क्या करना है आपको, सेम प्रोसीजर है, अगली बार कर्व होगा आपका वाई इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा रिमूव करके दोबारा समझते हैं, अगर कर्व आप लेते हो तो इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं समझाने के लिए, कर्व आप लोगे y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, तो देन देखो सर्किल तो आपका वन सेकेंड ये है, ये ऐसे होगा, तो इस बार कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो कुछ नहीं करना, जब आप इसमें पॉइंट p लेट करोगे तो x को t लेट करोगे तो y क्या जाएगा माइनस के t स्क्वायर, ठीक है ना, तो अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि y1 क्या आएगा माइनस के 2x, तो क्या जाएगा माइनस के 2t, तो देन टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 तो प्लस t स्क्वायर, और ये क्या होगी माइनस के 2t x माइनस t, तो देन इसके बाद अगर आप बात करोगे तो थोड़ा इसमें चेंजेस कर देते हैं, तो क्या जाएगा देखो 2t x सबको लेफ्ट में ले आओ y और प्लस के 3t स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, तो वंस अगेन सेंटर से टेंजेंट की लेंथ इक्वल टू रेडियस, तो क्या होगा 0.2 पुट करने पे क्या आ गया 2 प्लस 3t स्क्वायर का मोड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर पर b स्क्वायर, तो क्या आ गया 4t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रेडियस, तो देन जब आप इसकी अगेन स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो इससे आपको t स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, और इससे जो t स्क्वायर की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप उससे t की वैल्यू करना कैलकुलेट, और उस t की वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो देन वी विल गेट अगेन टू ऑप्शंस, ठीक है ना, और जैसा कि मेरे को आइडिया है इसमें t की वैल्यू आएगी आपके पास 2√5, क्या थी t की वैल्यू
प्लस के टू रूट फाइव। तो देन आपने वैल्यूज को पकड़ना, तो इससे आपके थ्री ऑप्शन आने वाले, फर्स्ट सेकेंड और, ठीक है ना, इसको आप इजीली कर सकते हो। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड बोला गया कि लेट L1, L2, L3 आर लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्किल दिस पार्ट कॉमा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट रेस्पेक्टिवली। द लेंथ सेटिस्फाई द L1 की पावर 4 इक्वल टू L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर प्लस A की पावर 4, देन द लोकस ऑफ P कैन बी। तो एक काम करें, पॉइंट P का लोकस बताना है, तो सिंपल पॉइंट P को सीधे x, y लेट कर दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, या h, k ले लो, ये लो ना पॉइंट को h, k लेट किया आपने। तो देखो क्या करना है इसके बाद अपन को, तो L1 का मीनिंग क्या होगा, पॉइंट h, k की फर्स्ट सर्किल से डिस्टेंस, सॉरी टेंजेंट की लेंथ, L1 L2 L3 क्या है, पॉइंट P की सर्किल से टेंजेंट की लेंथ, क्योंकि पॉइंट P से आप क्या करोगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तीनों सर्किल पे, पॉइंट P गिवन है, फर्स्ट सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, रूट s1, ठीक है ना। तो देन देखो क्या आने वाला है, तो L1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली L2 क्या होगा, बोलो रूट ऑफ s2, वंस अगेन, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k 2ah। और सिमिलरली बेटा L3 क्या होगा, बोलो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k 2ah। और ये L1 L2 L3 सेटिस्फाई दिस रिलेशन, तो L1 की पावर 4 करोगे तो क्या जाएगा, L1 की पावर 4 इक्वल टू गिवन है L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर प्लस A की पावर 4, ठीक है ना। तो अपन L1 L2 L3 की वैल्यू पुट कर देते, तो L1 की वैल्यू ये, तो इसकी पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू L2 की वैल्यू, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा आपका माइनस के टू ए एच, और इससे आ गया वंस अगेन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के टू ए, इसमें एक्स था तो एच होगा, इसमें वाई है तो के, करना मामला गड़बड़ जाएगा, ठीक है ना, इसमें वाई तो सॉरी, तो माइनस के टू ए के आ गया और प्लस के ए की पावर। अब देखो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी, वही मेन पार्ट है, काम करना इसमें, ये जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, इसको आप टी लेट कर दो ताकि मल्टीप्लाई करना आपका सिंपल हो जाएगा। तो इसको टी लेट कर क्या गया, ये t आ गया, ये भी t लेट करो, इसको भी t लेट करो, सीधा स्क्वायरिंग कर दें इसकी, तो क्या आ गया t माइनस a का होल स्क्वायर, t माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया t स्क्वायर प्लस a की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर t इक्वल टू, देखो t माइनस, तो t इनटू t आ गया t स्क्वायर, फिर t को करना है इससे, तो माइनस के 2 a kt, और t को फिर माइनस के 2h को इन दोनों से करोगे तो क्या जाएगा माइनस के 2ah t, और बेटा माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 4a स्क्वायर h के, और लास्ट में क्या आ गया a की पावर 4। तो देखो ढंग से a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल t स्क्वायर से t स्क्वायर। तो मेन स्टेप ये थी कि आपको h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर को t कंसीडर करना है, ठीक है ना। अब इसके आने के बाद देखो उसको कैलकुलेट कैसे करना, हमको कैलकुलेशन का पार्ट है, देखो बेटा इस रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, देखो माइनस के टू ए स्क्वायर टी, माइनस के टू ए स्क्वायर टी इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू ए के टी माइनस टू ए एच टी, और लास्ट थिंग के प्लस फोर ए स्क्वायर एच के। अब इसके बाद देखो इसमें टू तो कैंसिल आउट हो गया, हटा दो, एक टू इधर से हटा देते हैं, एक टू इसको हटा देते हैं, एक उधर से रूट कर देते, और ये आपका आ गया वन सके टू। ये आने के बाद देखो क्या करना अपन को, सबको जब लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या गया, और देखो एक ए भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक ए भी अपन क्या कर सकते हैं इसमें कैंसिल आउट, तो एक ए को कैंसिल आउट करोगे तो देखो फाइनली क्या गया माइनस ए टी इक्वल टू माइनस के टी और माइनस के एच टी, और ये आ गया प्लस टू ए एच के। इतना आने के बाद सबको आप एक तरफ ले आएंगे, तो जब आप एक तरफ लेके आओगे तो देखो क्या गया, सबको जब एक तरफ लेके आओगे तो एक काम करें इसको ले आओ, तो क्या गया के टी प्लस एच टी
माइनस ए टी माइनस टू ए एच के इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें तो फर्स्ट और सेकंड में तो आ गया टी कॉमन, तो टी कॉमन लेने पे क्या आ गया एच प्लस के, और माइनस के क्या होगा देखो इसमें से ए कॉमन लो आप, तो ए कॉमन लेने पे आ गया टी प्लस टू एच के, और बेटा टी की वैल्यू क्या है बोलो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये भी क्रिटिकल स्टेप है आपकी, तो देखो ये लेने से इसका बेनिफिट क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया एच प्लस के का होल स्क्वायर, तो देन इसमें एच प्लस के कॉमन आ गया ना, तो जब एच प्लस के कॉमन लोगे तो रिमेनिंग पार्ट इज टी माइनस ए एच प्लस के इक्वल टू जीरो, तो देन इससे आ गया एक तो आ गया एच प्लस के इक्वल टू जीरो, तो ये तो आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक तो ये आ जाएगा, और इसमें भी टी की वैल्यू पुट कर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस ए एच माइनस ए के इक्वल टू जीरो, तो एक्स को एच और के को वाई लोगे तो एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, तो ये क्या एक सर्किल की क्वेश्चन है, तो जब इसका लोकस की बात करोगे आप तो इसका लोकस में दो लोकस होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक सर्किल होगा, तो इसका फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो मेन पार्ट यही था, ये वैल्यू पुट करने के बाद एक तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को टी लेट करना है, आफ्टर दिस सॉल्व करोगे आप तो ये स्टेप भी मेन थी कि इसमें से टी कॉमन लो, इधर ए कॉमन लेके जब टी को पुट करोगे तो एच प्लस के का होल स्क्वायर बनेगा, ये दो स्टेप क्रिटिकल स्टेप है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट साइन थीटा कॉमा 1 बाय रूट 2 लाई एक्सटीरियर टू द बोथ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स देन थीटा कैन बिलोंगिंग टू, तो सिंपल है तो इसमें पैराबोला क्या है देखो दो दो पैराबोला है, दोनों पे ध्यान देना है, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, एक y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x है, तो क्या होगा पैराबोला लेट करोगे y स्क्वायर माइनस का x और एक पैराबोला होगा y स्क्वायर प्लस x। ये पता होगा आपको कि पॉइंट अगर आउटसाइड है पैराबोला की तो कंडीशन क्या होगी s1 ग्रेटर देन 0, बट s का मीनिंग क्या मानना y स्क्वायर माइनस 4x, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, क्योंकि उसी फॉर्मेट में अपन ने उसका डेरिवेशन किया गया है, तो ये जो पॉइंट है साइन थीटा कॉमा 1 बाय रूट 2 वो इस पैराबोला के भी बाहर है इसकी बाहर है, तो दोनों में क्या होगा एस वन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पुट कर दें तो क्या लिखोगे एस वन ग्रेटर देन 0 पढ़ना दोनों केसेस में, एस वन का मीनिंग पॉइंट पुट करो तो साइन थीटा तो हो जाएगा एक्स की जगह और वाई की जगह 1 बाय रूट 2, तो क्या आ गया 1 बाय 2 माइनस साइन थीटा ग्रेटर देन 0, इससे तो आ गया बेटा साइन थीटा लेस देन 1 बाय 2, और सिमिलरली अगले में पुट करो तो क्या आ गया देखो वाई स्क्वायर प्लस जाएगा 1 by 2 plus sin theta greater than 0 then sin theta greater than minus k 1 by 2, मतलब sin theta आ गया minus 1 by 2 से plus 1 by 2, तो एक काम करो ना जो अपन को interval given है ये सारे के सारे केवल minus pi से pi के बीच में, तो एक काम करें अपन sin का diagram बना दें, ये लो इतना बात। ठीक है, sin की value 1 by root 2 इधर होगी माइनस के 1 बाई रूट 2 इधर होगी, और अपन को पोर्शन कौन सा लेना है इन दोनों के बिटवीन, तो इन दोनों के बिटवीन जो पोर्शन है वो कौन सा, वो ये वाला आ गया ना, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, ये पॉइंट तो आपका माइनस पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है, तो एक आंसर तो जाएगा माइनस के पाई बाई 6 से बेटा पाई बाई 6 यूनियन ये कितना होगा पाई प्लस सॉरी पाई माइनस पाई बाई 6 और पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6 से पाई प्लस पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6। ठीक है, दो ऑप्शन से काम चल जाएगा, तो पहले देखो 0 से पाई बाई 6 यस सर, माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6 से 0 यस सर, और एक आ गया 5 पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6, तो इसके 1 2 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन 4 बोला गया है कि लेट fx एक फंक्शन गिवन है आप, तो देन आपको ऑप्शंस में लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम की बात की गई है, इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, अगले में आपको देखना है कि c1 c2 0 से इनफिनिटी, तो बताओ f' c1 0 f' c2 0 हुआ क्या, और देयर एग्जिस्ट सम c0 से इनफिनिटी ट्रिपल डैश c आल्सो 0, मतलब इसमें रॉस थ्योरम को भी यूज करना आपको, तो चलो देखते हैं। तो ये f(x) गिवन है, तो एक काम करें पहले इसका f' करो क्या आएगा, तो जब भी इंटीग्रेशन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो देन वी विल यूज न्यूटन्स लेवरेज फॉर्मूला, तो क्या करोगे अपर लिमिट पुट करो t की जगह, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया एक्स माइनस फाइव और अगर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, और इसके फैक्टर भी सीधा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, एक्स का डिफरेंशियल वन आएगा और लोअर लिमिट तो जीरो है, तो उसका डिफरेंशियल जीरो होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है।
f(6) आ गया, तो देखो जब f(6) पता है तो उससे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकते हैं। तो देखो e की पावर माइनस स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हटाओ तो अपन f(6) की नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 5 पे 0 होगा, ये 4 * 3 था, सॉरी ये 4 था, ये 4 पे 0 होगा 3 पे, राइट साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो क्या होगा इसमें, माइनस से प्लस में लोकल मिनिमा और प्लस से माइनस में लोकल मैक्सिमा, तो इसमें दो लोकल मिनिमा होंगे और एक लोकल मैक्सिमा, तो देखो ना x इक्वल टू 4 है लोकल मैक्सिमा, यस सर, एंड लोकल मिनिमा x इक्वल टू 3, यस सर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, f डिक्रीजिंग ऑन 3 से 4 और 5 से इंफिनिटी गलत, f 3 से 4 से 5 से इंफिनिटी में तो इंक्रीजिंग होगा और 0 से 3 और 4 से 5 में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स होगा, हटाओ। There exist at least C1, C2, 0 से infinity such that double dash C1, double dash C2 आपका 0 होना चाहिए। 0 से infinity की बात की गई है। देखो आप ब्लैकबोर्ड पे आपका f dash 3 0 है, इधर देखो f dash 3 0 है, f dash 4 भी आपका 0 है और f dash 5 भी आपका 0 है, बोलो हाँ ना, तो आप सबने पढ़ा है कि फंक्शन आपका f(x) एक फंक्शन है, ये आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और f(3) f(4) 0, इसका मतलब इसके सेकंड डेरिवेटिव का 100% 3 से 4 में एक रूट लाई करने वाला है, पढ़ा है ना तुमने कि फंक्शन अगर आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और f(a) और f(b) की इक्वल है तो देन f(c) = 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन a to b, तो देन आप इससे बोल सकते हो कि f(x) आपका 0 होगा किस इंटरवल में, 3 से 4 में, और सिमिलरली वंस अगेन f(c)(2) लिख देते हैं इसको समझाने के लिए, तो c2 तो होगा 4 से 5 के इंटरवल में और बेटा f(c)(1) 0 तो c1 होगा 3 से 4 में, तो इसने यही बोला गया ना कि f(c)(1) 0 f(c)(2) 0 c1 c2 0 से, यस सर, तो दोनों क्या 0 से इंफिनिटी की फॉर्म में, तो इसका ये भी ऑप्शन 2 होगा, और जब ये आ गया तो अगेन इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका एक कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अरे यार ये पॉलीनोमियल फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो आप इसका एक बार और करोगे डिफरेंशिएशन तो वो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो अगेन अपन क्या बोल सकते हैं कि f(x) = 0 है या f(c)(1) 0 है एंड f(c)(2) 0 है, तो अगेन क्या कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड नेक्स्ट डेरिवेटिव है f(c) = 0 होगा, सी बिलोंग्स टू c1 से c2, मतलब c1 से c2 का मीनिंग आ गया कि 3 से 5 में भी 100% इसका एक रूट लाई करेगा, तो सी इसने क्या बोला गया 0 से 3 बोल दिया, दिक्कत क्या उसमें, तो सी आपका 0 से 3 होगा ना, 0 से इंफिनिटी में कुछ भी हो ना, इसमें सी आपका 3 से 5 में कुछ भी हो वो लाई करेगा 0 से 3 इंफिनिटी में, तो देन इसका ये भी ऑप्शन ट्रू होगा, मतलब इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो इसमें रॉस थ्योरम का भी यूज करना था अपन को। चलें उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, लेट f(x) बी अ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f(x) = 1 - x for all x belongs to r, g बोला गया 0 से 1 f(x) dx and f(4/5) 0 given है, then which of the following options is true, क्या-क्या options है, f(1/3) + f(2/3) 1 होगा, g की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ होगी, x = 0 है at least one root in this part, [0] है at least one root in this part, मतलब आपको इसमें भी रॉस थ्योरम की हेल्प लेनी है, तो देखते हैं, चलो तो एक बार ये कंडीशन देखो जो लिखी हुई है, इसका क्या करना है, f(x) = गिवन है 1 माइनस, इसमें ये बहुत यूजफुल कंडीशन है, देखो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें आप एक काम करो x को रिप्लेस कर दो बेटा f(x) से, अब ये सोचने वाला पार्ट है, इतना सिंपल नहीं है कि मैंने लिख दिया आप समझ गए कि हां सही था, इसे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि इससे रिलेशन लेके आना है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ये आईडिया कैसे लगा मेरे को, इसमें जो j की वैल्यू पूछी गई वो क्या है, j = मैंने आपको 0 से 1 f(x) dx, इसमें जब आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, j = 0 से 1 f(1 - x dx, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं जब भी प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 से 1 दिस प्लस दिस, तो ये आ गया f(x) + f(1 - x, तो एक बार बताओ अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम जल्दी हो जाए ना, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, देखो इस फंक्शनल प्रॉपर्टी में आप x को पुट करो f(x), तो क्या आ गया f(x) = 1 - kf(x), लिख सकते हो,
देन f ऑफ x इसको लिख सकते हैं once again 1 माइनस x, तो क्या आ गया f ऑफ 1 माइनस x आ गया, इसको लेफ्ट में ले तो प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1, हो गया काम फिनिश। तो इसको 1 लोगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी, तो g आ गया 1/2, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा। अब जो कुछ करना है वो इसकी हेल्प से हो जाएंगे क्वेश्चन। तो अब देखो क्या करना है अपन से जो नेक्स्ट ऑप्शंस है, हां इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है वो क्या है f 1/3 प्लस f 2/3, तो ये भी सिंपल है, x को 1/3 लोगे तो f 1/3 f 2/3 1, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। अब थर्ड और फोर्थ में डबल डैश और ट्रिपल डैश के रूट की इंफॉर्मेशन की बात की गई है, तो चलो अपन इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं एक बार। तो देखो fx का डिफरेंशिएशन तो आ गया f'x और इसका जाएगा f माइनस के f'x 1 माइनस x, तो ये आ गया f'x इक्वल टू f' 1 माइनस x। समझाने के लिए एक बार और कर देते क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, f डबल डैश x आ जाएगा माइनस के f' डबल डैश, क्योंकि तो सारे ऑप्शंस की बात करनी है। देखो क्या करें, इसको हटा देते हैं, तो देखो इसमें बात करते हैं क्योंकि इसने जो थर्ड ऑप्शन बोला गया इसमें डबल डैश के रूट की बात की गई है, तो अपन एफ डैश एक्स पे देखते हैं। एफ डैश एक्स भी देखो एक बात गिवन है क्वेश्चन में, एफ डबल डैश 4/5 आपका जीरो है, एफ डबल डैश 4/5 जीरो, ध्यान रखना इस बात को। तो इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो देखो एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो रहेगी, देखो एक बार f डबल डैश 4/5 जीरो, तो एक काम करो पहले डबल डैश की बात करते हैं, इसमें अगर x को आप 4/5 पुट करते हो तो देखो f 4/5 लेने पे क्या आ गया, f डबल डैश 4/5 इक्वल टू आ गया f डबल डैश 1/5, एक तो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखो x को जब आप इसमें 1/2 पुट करोगे तो x को 1/2 लेने पे क्या आ जाएगा, f डबल डैश 1/2 इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश 1/2, तो ये इधर जाके क्या गया 2 एफ डबल डैश 1/2 जीरो, देन एफ डैश 1/2 इज आल्सो एफ डबल डैश 1/2 जीरो आ गया, और क्वेश्चन में बोला गया था एफ डबल डैश 4/5 भी आपका जीरो है, तो देन आप बोल सकते हो बेटा मतलब जो डबल डैश है वो आपका 3 पॉइंट पे जीरो है, जो डबल डैश एक्स है आपका वो क्या होगा बोलो 1/5 1/2 और 4/5 पे जीरो आ गया, इसका मतलब ट्रिपल डैश का एक रूट तो इसके बिटवीन होगा और एक रूट इसके बिटवीन, मतलब ट्रिपल डैश एक्स के 100% टू रूट होंगे, और ट्रिपल डैश के टू रूट हैं तो इसका एक बार और करोगे तो एफ फोर एक्स के मतलब फोर्थ डेरिवेटिव का एक रूट 100% लाई करेगा। देखो क्या करना है, आओ एफ डबल डैश हैज एट लीस्ट 1 रूट इन 1/4 से 3/4, हाँ है ना 1/4 से 3/4 के बिटवीन, तो डबल डैश एक्स का 1/4 से 3/4 के बिटवीन भी एक रूट क्या करेगा लाई करने वाला, एक सेकंड 1/4 से 3/4 है क्या इसके अंदर देखना, 1/4 से 3/4 अपना जो आंसर है वो आएगा 1/5 से 1/2 के बिटवीन और 1/2 से 1/4 के बिटवीन। देखो फोर्थ ऑप्शन तो आ गया कि f4x 0 हैज एट लीस्ट 1 रूट इन 1/2 से 1/4, तो ये 1/2 से 1/4 के बिटवीन रूट होगा, ठीक है ना, ये आपका 1/5 से 1/2 है, ये 4/5 से इसकी वैल्यू तो क्या होगी 0.2, ये 0.5 है, ये आपका 0.8 है, तो एक रूट आपका 0.2 से 0.5 है, एक 0.5 से 0.8 है, तो अगले के रूट क्या होंगे इन दोनों के बिटवीन होंगे, मतलब एक रूट इसके बिटवीन होगा एक रूट इसके बिटवीन होगा, तो अगले का रूट आपका 0.5 से 0.8 के बिटवीन होगा, तो इसका ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे बोलो करेक्ट होने वाले। अब देख लो ना ये सारे के सारे इंटरवल इसके अंदर इनबिल्ट हैं, 1/4 से 3/4 भी होगा क्योंकि एक रूट जब 1/4 कितना होगा 0.25 ये 0.7, ठीक है ना, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में f 1/2 भी आपका जीरो होगा, आप क्या करना है इसमें x को 1/2 लोगे तो f डबल डैश 1/2 भी जीरो आ रहा है, ठीक है ना, तो वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखें इस बात को। चले तो इसके ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, fx function given है, then fx is non-differentiable 5 points, non-differentiable 4 points, local maxima at x equal to 0, fx equal to x has, k has 8 solution of k 0 से 1/4, तो अपने काम करें इसका diagram draw करें, ये देखो fx क्या given है, इस x square को mod x को लिखने में क्या problem है, क्योंकि x square always positive,
तो मोड लगा सकते हैं। तो इसके डायग्राम में देखो क्या करना है, एक फंक्शन लेट करते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अगर मैंने एक एलिमेंट की फंक्शन जी एक्स लेट किया तो ये लाने के लिए क्या करोगे, एक्स को जब आप मोड एक्स रखोगे तो देखो जी ऑफ मोड एक्स क्या जाएगा, मोड एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव मोड एक्स प्लस सिक्स, मतलब ये आपका जी मोड एक्स है। तो फाइनली आपका क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल टू जी मोड एक्स का होल मोड। अब ये आपको शायद आइडिया होगा कि आपको बेटा जी एक्स फंक्शन गिवन है जिसके रूट है टू और थ्री, इसके फैक्टर क्या होंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस। चलो एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये टू होगा, ये थ्री होगा। अब अगर अपन को जी एक्स का डायग्राम गिवन है और आपको जी मोड एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करना है, क्योंकि पहले जी मोड एक्स होगा फिर उसका वंस अगेन मोड, तो जी मोड एक्स के डायग्राम में क्या करते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी जी मोड एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करना है तो क्या करो, जी एक्स एक्स के नेगेटिव पार्ट को रिमूव करो, क्योंकि सिंपल सी बात क्या है कि जी मोड एक्स ऑलवेज एक इवन फंक्शन होगा। तो उसके डायग्राम में क्या करना है आपको कि जी एक्स के डायग्राम में एक्स के नेगेटिव पार्ट को रिमूव करो और रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या करना है, बोलो वाई एक्सिस में इमेज लेनी है। तो इसकी जब वाई एक्सिस में इमेज लोगे रिमेनिंग पार्ट की तो क्या होगा, ये डायग्राम सेम इधर बन जाएगा, क्योंकि ये आपका एक इवन फंक्शन है, इसको हटा देते हैं। मतलब ये फाइनली आपका डायग्राम आ गया और ये पॉइंट है 0.6 है। ये आने के बाद अब इसका वंस अगेन आपको मोड लेना है, क्योंकि अपन ये आ गया जी मोड एक्स का डायग्राम, ये किसका डायग्राम हो गया फाइनली टोटल जी मोड एक्स का, और इसका वंस अगेन मोड लोगे तो नेगेटिव पार्ट भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करोगे तो इसका जो वर्टेक्स है ना ये ऊपर जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अगर 6 से ग्रेटर होगी तो ऊपर चला जाएगा, लेस होगी तो नीचे। तो सिंपल सी बात है 2/3 के बिटवीन इसका जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस की v/2 है 3/2, और ये पुट करने पे इसका आउटपुट आएगा माइनस के 1/4। अरे यार वर्टेक्स क्या होगा, माइनस के v/2a, माइनस के d/4a, तो जब माइनस के d/4a करोगे तो इसकी मिनी वैल्यू आती है माइनस के 1/4। तो देन जब आप इसका अगेन मोड लोगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये भी इधर, और ये जो पोर्शन है आपका ये लेंथ आपकी 1/4 है, तो इस 0.6 से नीचे रहने वाला है। ये आने के बाद अब अपन बात करते हैं 1/1 ऑप्शंस की, ठीक है। ये अपना फाइनल क्वेश्चन का डायग्राम है, कौन सा जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपके क्वेश्चन का एक्चुअल क्वेश्चन का डायग्राम है, ठीक है, बाकी सारा रिमूव कर सकते हो। तो चलो पढ़ें, fx हैज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, तो देखो एक तो इधर शार्प कॉर्नर है एक इधर है, तो टोटल ये 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड गलत हो गया। fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x पॉइंट, यस सर, जीरो पे क्या होगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि पता है f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस से ग्रेटर है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या हो नॉन डिफरेंशिएबल, तो उस पे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा चेक करने का मेथड क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस मतलब नियरेस्ट पॉइंट से ग्रेटर है तो लोकल मिनिमा होगा, और वैल्यू अगर दोनों से लेस है तो पॉइंट लोकल मिनिमा होगा उस केस में, और इस केस में लोकल मैक्सिमा, तो यस 0 पे लोकल मैक्सिमम होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। fx equal to k है 8 सॉल्यूशन, तो देखो 8 सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ये fx का डायग्राम है आपको, अब y equal to k की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करो कि उसको 8 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। देखो जब आप इस पोर्शन में ड्रॉ करोगे तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी 4, तो टोटल क्या होंगे 8 सॉल्यूशन, मतलब कि आपका 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 1/4 से लेस होना चाहिए, तो k जब आपका 0 से 1/4 के बिटवीन लाई करेगा उस केस में दिस इक्वेशन है 8 सॉल्यूशन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है ना। चले उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, चलो क्वेश्चन 7 को रीड करें सभी। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है 1 से e स्क्वायर ln x / √x dx, तो एक बार तो a को ये लिख के देखना है, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से देख सकते हैं, एक बार 3 से 5 गिवन है तो देखते हैं कि अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, फिर फर्स्ट और ऑप्शन में आपको उसकी वैल्यू को ही देखना है कि इनके इंटरवल में लाई करती है कि नहीं। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे बेटा, देखो लिमिट आपकी 0 से e स्क्वायर, काम करो आप ln x को इसमें t पुट कर देते हैं, तो
ln x को t लोगे क्या आएगा 1 upon x dx equal to आगे dt, तो देन इससे dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी x dt, टेंशन मत लेना कर देंगे इसको सॉल्व, या फिर चलो उसको इतने रखो कोई नहीं। तो अपना क्वेश्चन आ गया a equal to 1 से e square ln x upon, ये अपॉन में x है ना, क्योंकि dx upon x को मैं dt ले सकता हूं, तो एक काम करो उसको root x से मल्टीप्लाई करो, x root x dx क्या हो गया बैलेंस, तो dx upon x ये तो क्या जाएगा dt, तो इक्वल टू आ गया a, ये तो लिखने लिखना है dt, root x की वैल्यू क्या होगी देखो, x की वैल्यू क्या होगी e की पावर t, तो root x की वैल्यू root e की पावर t, तो ये तो आ गया root e की पावर t, और बेटा ln x की लिए t आ गया, और x को जब 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होगी और e स्क्वायर पे वैल्यू 2 होगी, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2, तो देखो आपका ये आ गया ना t root e की पावर t dt, तो ये लो थर्ड ऑप्शन तो इसका कर गया मैच। अब आपको एरिया देखते हैं कि क्या ये a आपका 3 से 5 के बिटवीन हो सकता है क्या, तो देखो इसमें क्या करना चाहिए, वैसे अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, आईलेट लगा सकते हैं कि देखो आईलेट में तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में देखता हूं एक बार क्या करना, मतलब ये तो सब्स्टिट्यूशन से अपने थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, उसको हटा देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो आ गया ना। अब देखो मेरे को जो लग रहा है वो क्या करो, इसी को अपन सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स ln x dx, तो एक काम करो इसको तो लेट करो फर्स्ट फंक्शन, इसको लेट करो सेकंड फंक्शन, तो अब अपन करते हैं इसको इंटीग्रेशन आईलेट से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो उसको देखने अलग से, x की पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन तो प्लस 1, तो 1 बाई 2 आ गया, तो क्या जाएगा 2 अपॉन रूट एक्स आ गया, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हो क्या होगा 2 अपॉन रूट एक्स, तो ये लो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ गया 2 बाई रूट एक्स, ये सर माइनस इंटीग्रेशन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और इसका आ गया 2 बाई रूट एक्स, ये सर dx, तो इसमें लिमिट पुट कर दें, इसमें तो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे आप कितनी 1 से e स्क्वायर, और इसमें लगाते थे 1 से e स्क्वायर, कर लेते हैं क्या, और इसी से होगा क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन इससे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, तो ये आ गया बेटा 2 लेने पे क्या आ गया ln 2 सॉरी e स्क्वायर, e स्क्वायर लेने पे वैल्यू 2 होगी आपकी, तो देखो क्या आ गया 2 डॉट 2 अपॉन e, क्योंकि रूट ई स्क्वायर आपका ई आ गया, तो ये तो आ गया 4 अपॉन ई, ये आने के बाद 1 लोगे तो log 1 0 हटा दो, माइनस ब्रैकेट देखो ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x अपॉन रूट x, x की पावर 3 बाई 2, तो x की पावर 3 बाई 2, 1 अपॉन x की पावर 3 बाई 2 का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो x की पावर माइनस 3 बाई 2 पर होगा ना, तो प्लस 1 अपॉन तो माइनस के हाफ, तो क्या जाएगा माइनस के 2 अपॉन रूट एक्स, क्या जाएगा माइनस के 2 अपॉन रूट एक्स, तो देन इसमें शायद कुछ गड़बड़ी कर दी मैंने एक बार, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन गलत कर दिया, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर माइनस हाफ होगा ना, हाँ तो 1 बाई 2 प्लस 1 होगा, तो ये 2 रूट एक्स आएगा, क्या आएगा बोलो 2 रूट एक्स आएगा, थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा इसको हटा देते हैं, ये अचानक दिख गया मेरे को, देखो क्या लिखना है इसको, इसको लेना है फर्स्ट फंक्शन, इसको लेना है सेकंड फंक्शन, तो ये आ गया a इक्वल टू देखो फर्स्ट का करना है तो सेकंड फंक्शन सॉरी इसको लेना है फर्स्ट फंक्शन, इसको लेना है सेकंड फंक्शन, तो ln x आपका एज इट इज होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटीग्रेशन 2 रूट x, ठीक है ना 2 रूट x, लिमिट लगा देना 1 से e स्क्वायर, और ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन वंस अगेन 1 से e स्क्वायर, ln x का डिफरेंशिएशन तो आ गया 1 अपॉन x, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था 2 रूट एक्स, ठीक है अब देखो सिंपल हो जाएगा, अब सीधा आंसर आप दो e स्क्वायर लेने पे तो क्या जाएगा 1 पे तो 0 आ गया, e स्क्वायर पे क्या आ गया 2 ln e स्क्वायर, तो दोबारा 2 आ गया तो 2 और 2 4 ही आ गया, क्या आ गया 4e माइनस, देखो 1 पे तो 0 आ गया तो 2 तो बाहर आ गया, और ये क्या आ गया अपॉन में आ गया रूट एक्स का इंटीग्रेशन, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था अभी बोलो 2 रूट एक्स, और लिमिट लगाओगे 1 से e स्क्वायर, तो देखो क्या जाएगा 4e माइनस, ये भी 4 हो गया ना बाहर, रूट ई की वैल्यू e होगी और ये 1 पे 1 4e से 4e चला गया, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया 4, मतलब a आपका 4 आ गया,
a लाइन इक्वल 3 से वो तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आ गया ऐसे। अब देखो इनको चेक करना है तो एक ऑप्शन तो ये 4 है तो देखना है वैल्यू 4 से लेस आने वाली है, सॉरी 4 से ग्रेटर, तो 4 लेस देन यस सर, और ये भी आपकी 4 से क्या आने वाली है ग्रेटर, तो एक तो ये बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है इसको, इसको अपन को इंटीग्रेशन की हेल्प से देखना है। देखो अपन आगे थोड़ी बात करते हैं इसमें, इसमें क्या करना है इसको एक फंक्शन लेट करते हैं अपन f(x), ये फंक्शन लेट f(x) इक्वल टू ln x / root x, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा रूट एक्स, और इसका डायग्राम को पढ़ना है ln x का जाएगा 1/x माइनस ln x एज इट इज, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x / डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो x आ जाएगा, फाइनली आ गया इक्वल टू, इसको जब 2√x से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आ गया, ये आ गया 2x² माइनस ln x / 2x रूट एक्स, क्या गया 2x² देखो दोबारा 2√x से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया रूट एक्स, सॉरी सिंपल से ये 2 हो जाएगा सॉरी, क्योंकि 2√x और x कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया ओनली 2 माइनस ln x / 2√x, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये 0 कब होगा e² पे, तो माइनस प्लस लेना है क्योंकि लॉग के आगे माइनस आ रहा है माइनस कॉमन लो, तो e² पे आएगा लोकल मैक्सिमा। तो देखो इसके जब रफली डायग्राम की बात, रफली क्या एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हैं समझाने के लिए, अपन को केवल 1 से e में मतलब है, ये 1 होगा, 1 के बाद देखो e² पे इधर होगा ना, e² पे लोकल मैक्सिमा देगा, तो देखो इसके डायग्राम की बात करोगे आप ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो 1 पे तो आ गया 0, फिर लोकल मैक्सिमा आएगा इस पे e², तो e² के रेस्पेक्ट में देखो वैल्यू क्या आने वाली है e² पे जाएगा 2/e, तो ये वैल्यू जाएगी आपकी 2/e, ठीक है। और इन्फिनिटी लेने पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो जब आप लिमिट लगाओगे ना तो ये जीरो की तरफ ट्रेंड करने वाला है, मतलब डिक्रीज करेगा सीधी सीधी बात है, तो ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से कैसे करना है, अरे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद अपन को देखना है 0 से e² में इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये 1 से e² में, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये कहीं इसमें की होगा, अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में e का और 1/e का रोल आ रहा है, तो देखो क्या करना है इसमें, इसको e लेते हैं तो देखो अपना जो एरिया है वो कैसा होगा, देखो ये पॉइंट तो पता है 2/e है y कोऑर्डिनेट, एक बार इसको इससे जॉइन कर दो और एक बार इसकी अगर बात करोगे तो देखो ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया अपने रिक्वायर्ड एरिया से क्या होगा ग्रेटर, मतलब मैं लिख सकता हूं अपना रिक्वायर्ड एरिया ए क्या होगा लेस देन ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और इसका एरिया बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस कितना होगा e² - 1, डिफरेंस क्या है e² - 1 और हाइट इसकी क्या है 2/e, तो जब ई से ई को अंदर लेके जाओगे तो आगे ना e - 1/2, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ये अप्रोक्सीमेशन आ गया, तो इसका फर्स्ट थर्ड फोर्थ आ गया, ये देखो ये ऑप्शन कैसे लेके आना है, इसमें 1/√e आ रहा है, ये देखो 1/√e कब आ सकता है, अपना फंक्शन क्या था f(x) = ln x / √x, तो देखो x को e लोगे तो आ गया ना 1/√e, मतलब e के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1/√e, तो देखो इस बार क्या करना है, ये जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है a, ये एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया से भी क्या होगा लेस होगा ना, क्योंकि इसमें ये दोनों पार्ट एक्स्ट्रा हैं, तो वंस अगेन आप देख सकते हो a लेस देन दिस रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू या फिर लेंथ इनटू विड्थ, तो ये e माइनस वन है, ये 1/√e, तो लिख सकते e माइनस वन इंटू लेंथ हाइट इज 1/√e प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया अगेन e² - 1 e² - e लेंथ और विड्थ, तो e² - e और हाइट इज 2/e, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या गया a लेस देन e मल्टीप्लाई करने पे e - 1 आ गया ना, अरे इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ गया e - 1/√e और e से मल्टीप्लाई करने पे इसका क्या कम फिनिश e - 1 * 2, तो e - 1 कॉमन लेने पे आ गया ब्रैकेट में 2 + 1/√e, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, मतलब ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आना चाहिए एरिया का,
ये तो ठीक था इस क्वेश्चन में, एरिया एग्जैक्ट आ गया, ए आपका एग्जैक्ट 4 आ गया, तो आप सीधा कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अपन को उसको ज्योमेट्रिकली देखना, ठीक है। ये तो और भी मतलब ये तो ऑप्शन फिर भी ठीक थे, इसमें ट्रेपीजियम से भी कर सकते हैं कि लेट इसको इससे जॉइन करो उससे, तो ये जो दो ट्रेपीजियम है इनका एरिया लेस होगा अपने रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आने वाला, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पता होगा आईआईटी जेई में 2 बार आ चुका है अब तक। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बन गिवन है, और आपको देखना है कौन-कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो देखो क्या करना है इसमें, इसमें सीधा लगा देते हैं वेरिएबल सेपरेशन, तो क्या गया dy / y इज पर इक्वल टू e की पावर 1 / x / x स्क्वायर, कर दें उसको इंटीग्रेट। तो देखो 1 / y स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 / y, क्योंकि माइनस के 1 / y का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 / y स्क्वायर, तो प्लस के 1 / y स्क्वायर जाएगा, खुद करना इसको। और इसमें क्या होगा, जब 1 / x को t मानोगे ना तो ये dt में चला जाएगा, तो इसका जाएगा माइनस e की पावर 1 / x, क्योंकि करो उसका डिफरेंशिएशन, e की पावर का e की पावर और 1 / x का माइनस के 1 / y स्क्वायर, तो प्लस हो गया, और प्लस किसी लगा दो। और देखो ब्लैक बोर्ड पे जब x को 0 माइनस रखोगे इसमें आप 0 माइनस पे, तो अरे y की वैल्यू क्या होगी इसकी देख लो ना, सीधा देखो ज्यादा बेटर है। x आपका 0 से जस्ट नेगेटिव है, तो x को 0 से जस्ट छोटा लोगे तो ये क्या होगा माइनस इनफिनिटी, और e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 आ गया, तो c बेटा आपका माइनस बन जाएगा, क्या जाएगा c इक्वल टू माइनस 1, इसकी हेल्प लेनी है आपको। तो c को माइनस बन लोगे तो माइनस 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 कैंसिल आउट, तो सिंपल आ गया 1 / y इक्वल टू e की पावर 1 / x + 1, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपका फंक्शन आ गया y इक्वल टू 1 प्लस e की पावर 1 / x, ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, रेंज देखनी है, रेंज के बाद fx को बाउंडेड देखना है, तो रेंज पता चल जाएगी, बाउंडेडनेस पता चल जाएगी, 0 प्लस पे वैल्यू, देखो x को जब 0 प्लस पुट करोगे इसमें तो e की पावर 1 / 0 प्लस इनफिनिटी, e की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी 1 / इनफिनिटी 0, तो y आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। 0 से e fx dx, 0 से 1 fx dx से ग्रेटर होगा। तो देखो एक काम करते हैं अपन, इसका एक बार डायग्राम ही देख लेते हैं, डायग्राम में क्या देख लेते हैं, देखो ब्लैक बोर्ड पे इसके जब डायग्राम की बात करोगे आप, तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy dx, ठीक है। तो देखो इसके डायग्राम के लिए इसका कर दो dy dx, तो इसका देखो dy dx क्या आने वाला है, पहले 1 / x का करो तो क्या आएगा माइनस के 1 / फिर 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x और माइनस के 1 / x स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो x जब पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 की बात की गई, तो x पॉजिटिव है, देखो सारा का सारा कुछ पॉजिटिव है, सारा का सारा क्या है पॉजिटिव आ रहा है, सही है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब dy dx आपका पॉजिटिव है, तो देन फंक्शन आपका कैसा होगा बोलो इंक्रीजिंग। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो इसके डायग्राम की बात करते हैं, तो देखो डायग्राम कैसे हो, आओ सब 0 1, x जब 0 से जस्ट ग्रेटर होगा, तो 0 से जस्ट ग्रेटर पे अभी क्या आता है 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कहां टेंड करने वाली थी 0 की तरफ, तो 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे तो बात ही नहीं करनी। उसके बाद जब x को आप सॉरी x को जब इंफिनिटी लेते हैं तो 1 / इंफिनिटी क्या आ गया 0 आ गया, तो 1 / इंफिनिटी अगर 0 आ गया तो क्या होगा इसमें, देखो 1 / इंफिनिटी 0 आ गया तो ये 0 की तरफ टेंड करने वाला है, क्या करने वाला है 0 की तरफ टेंड करने वाला, इसमें थोड़ी गड़बड़ी कर दी मैंने शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा है, क्या दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू 1, तो सिंपल हाँ हो गया ना। x रेंज की बात की तो रेंज में तो सब कुछ लेना है डोमेन, चलो ठीक है डोमेन अगर कंप्लीट लेनी तो बात करते हैं अपन। और x को जब आप इंफिनिटी लोगे, देखो बेटा फंक्शन इंक्रीजिंग है, बस ही ध्यान रखना अपन को, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो देखो क्या करना है, तो 0 प्लस पे 0 आ गया, 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या थी, 0 माइनस पे इसकी वैल्यू गिवन है अपन को, कहां चला गया क्वेश्चन, ये लो 0 माइनस पे वैल्यू बना रही है, तो 0 माइनस पे आपका बना जाएगा, मतलब 0 पे बन लेना है ऐसे। और x को जब माइनस इनफिनिटी लोगे, अरे यार इनफिनिटी पे 1 / इनफिनिटी 0, तो y आपका बना गया, तो इनफिनिटी पे 1 की तरफ टेंड करने वाला है ये लो, इनफिनिटी पे 1 की तरफ टेंड करेगा, तो एक काम करें, एक काम करो 1 की लाइन बना लेते हैं, मतलब इनफिनिटी पे 1 की तरफ भाग रहा है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये रफली डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और वंस अगेन
माइनस इनफिनिटी पे भी ये उसके बाद जाने वाला है, और इसमें इसके 1 बाय 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये वैल्यू 1 बाय 2 कब देगा, तो देखो जब x आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगा, x क्या होगा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो देखो क्या करना है इसमें, एक बार प्रॉपर ड्रॉ करते हैं इसके डायग्राम को, हटाओ उधर से, ये आ गया था e की पावर 1 अपॉन x और माइनस के 1 बाई x पावर, तो ये क्या हो गया प्लस, मतलब फंक्शन आपका क्या गया इंक्रीजिंग, तो उसको हटा देते हैं ध्यान रखने से बात को। चलो ये वन की लाइन, तो इसमें देखो थोड़ा x को जब आप 0 प्लस लोगे तो y 0 की तरफ टेंड करेगा, x 0 से जस्ट छोटा लोगे तो y आपका 1 की तरफ टेंड करेगा, और x को जब प्लस माइनस इनफिनिटी लेते हो तो e की पावर इनफिनिटी सॉरी 1 अपॉन इनफिनिटी इनफिनिटी, x को इनफिनिटी लोगे तो 1 अपॉन इनफिनिटी 0 आ गया, e की पावर 0 1 होगा, तो बेटा ये y टेंड्स टू 1 बाय 2 देगा दोनों पे, ठीक है ना। तो 1 बाय 2 को इंक्लूड नहीं करना है, हाँ ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी इनफिनिटी पे वैल्यू, मतलब 1 बाय 2 की लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग ध्यान रखें, मतलब वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, तो देखो माइनस इनफिनिटी पे हाफ है और फिर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 की तरफ, फिर अगेन 0 प्लस पे वैल्यू क्या है, 0 प्लस पे 0 आ गया, देखो 0 माइनस पे 1 है, 0 प्लस पे 0 है, और अगेन वैल्यू क्या करती है इसकी इंक्रीज करती है 1 बाय 2 की तरफ। तो ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से 1 माइनस के 1 बाय 2, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी 0 टू 1 माइनस के 1 बाय 2, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। और अब आपको पता है कि रेंज अगर आपकी फाइनाइट है तो फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड, तो ये आपका एक बाउंडेड फंक्शन है। चलो उसके बाद देखें और क्या पूछा गया साथ के साथ, हाँ थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग था, 1 से e fx dx और 0 से 1, तो सिंपल सी बात है, देखो ना 1 से e में जो एरिया है वो आपका दिस होगा, और 0 से 1 में जो एरिया है वो आपका दिस होगा, और आपको सोचो जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये एरिया और इस एरिया में ग्रेटर कौन होगा, दिस एरिया, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया, माहौल तो बहुत बड़ा बनाया गया लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स डायग्राम गिवन है, रूट इसके आर एस है, मतलब इस फंक्शन के रूट है आर और एस, ये रूट है, ये एक्स इक्वल टू 6 की लाइन बोली गई है, एरिया बाउंडेड बाय दी एफ एक्स, एफ एक्स का जो एरिया है किसमें 0 से x इक्वल टू 0 x एक्सिस, एफ एक्स x एक्सिस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 ओवर 0 टू r r टू s और s टू 6 इज दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। तो देखो क्या करना है, करो क्वेश्चन में बोला गया कि 0 से s में जो एरिया है, 0 से r में जो एरिया है, अब देखो 0 से r में ये फंक्शन नेगेटिव है, एरिया को पॉजिटिव लाने के लिए इक्वल टू लगा देना मोड, ये आपको गिवन है बेटा 2 अपॉन 5, ठीक है ना। सिमिलरली अगला बोला गया कि इंटरवेल r से s में जो एरिया है, r से s में ऑलरेडी फंक्शन पॉजिटिव है तो एरिया आल्सो पॉजिटिव, तो r से s में fx dx आपको अगेन गिवन है बेटा 2, तो ये एरिया आपका पॉजिटिव है, तो ये आ गया 2। और लास्ट में बोला गया कि एरिया s से 6, तो s से 6 का जो एरिया क्या होगा, देखो s से 6 fx dx, तो ये एरिया बेटा नेगेटिव है क्योंकि fx आपका नेगेटिव फंक्शन है, तो एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगा दोगे तो ये आ गया आपका 6। इसके बाद सॉरी 12 बोला गया, ये आने के बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपको m p q n की वैल्यू देखनी कौन कौन सी, तो देखो एक समझाने की ट्राई करता हूं आपको, इसमें m का मीनिंग क्या है, s से 0 fx dx, तो इसको उल्टा लिखो ज्यादा समझना है, तो 0 से s fx dx, तो ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो माइनस तो बाहर रखो, 0 से s का मीनिंग क्या होगा, 0 से r और r से s, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है एक तरीके से, तो माइनस तो बाहर, 0 से r और r से s, तो कुछ नहीं करना, 0 से r में इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस की 2 अपॉन 5, क्योंकि माइनस आ जाएगा ना मोड हटाओगे तो क्या जाएगा 2 अपॉन 5, अरे यार इसमें एरिया नेगेटिव है आपका, 0 से r में एरिया नेगेटिव है तो मोड हटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस के 2 अपॉन 5 आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा माइनस के 2 अपॉन 5 प्लस r से s में ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 2 आ गया,
तो इससे आपका एस आ जाएगा, ठीक है, एम की वैल्यू। एम के बाद पी का मीनिंग क्या, आर से सिक्स, पी का मीनिंग है आर से सिक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला गया है। तो आर से सिक्स में क्या होगा, आर से एस का एरिया, सॉरी आर से एस का डेफिनेट और एस से सिक्स का लिखना है आपको। तो देन इसके अकॉर्डिंग पी आ जाएगा बेटा, आर से एस में तो क्या लिखोगे, सिंपल टू, और एस से सिक्स के बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 12, तो ये आ गया p माइनस के 10, ठीक है। तो ऐसे ही आप 0 से 6 fx dx ये q बोला गया, तो q का मीनिंग क्या, देखो मोड लगा दो 0 से 6 fx dx, तो कुछ नहीं करना इस मोड को, तो बाद में ध्यान देना। आप तो क्या करो, 0 से 6 में डेफिनेट की बात कर लो, तो 0 से r में इसकी वैल्यू क्या है, डिवाइड में माइनस के 2/5 प्लस r से s में 2 है, और s से 6 में डेफिनेट की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 12। इसको सॉल्व कर देना, मोड लगा देना, तो आपको q हो जाएगा ऐसे ही n की वैल्यू। और ये आने के बाद इसमें मोड अंदर लगा दिया, तो मोड अंदर लगाने का मीनिंग ये फंक्शन पहले ही पॉजिटिव बन जाएगा, तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब तीनों की तीनों ऐड करने अपन को, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, तो सारी वैल्यू आने के बाद उनको जब कंपेयर करोगे कि कौन किससे बड़ा लेस है, तो ऑल फोर ऑप्शंस क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलो उसके बाद देखो सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। एक फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस ओवर 0 से 10, एक फंक्शन 0 से 10 में आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। एरिया बाउंडेड बाय द f(x) x एक्सिस बिटवीन द x = 0 x = 10 इज s, और f(x) - 10 से 10 के बिटवीन आपका डिफाइन है। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन नॉट ऑलवेज करेक्ट होगा ये आपको टिक करना है। तो देखो इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन से समझना अपन को, एरिया आपको डिफाइन है क्या, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 10 के बिटवीन, और एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 10 एक्स एक्सिस और कर्व से बाउंडेड बाय एरिया बोला गया। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये फंक्शन जो गिवन है आपको, वो एफ एक्स मैक्सिमम 10 और मिनिमम माइनस 10 हो सकता है, तो इसको ऐसे समझना ब्लैक बोर्ड पे। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ एक्स को अगर आपने कॉन्स्टेंट फंक्शन लेट किया सी, और सी को मैक्सिमम 10 लोगे आप, तो फिर तो बनेगा ये, तो इसका एरिया क्या आएगा, 100 आएगा ना मैक्सिमम। सी को मिनिमम माइनस 10 लोगे, फिर भी एरिया मैक्सिमम क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, बोलो समझे। कुछ बच्चे बोलेंगे फंक्शन को नॉर्मल लेट करो कि इसके बिटवीन होगा, फंक्शन को अगर आप इसके बिटवीन लोगे ऐसे कम भी ले सकते हो, तो जो एरिया होगा, जैसे मैं समझाने के लिए काम करता हूँ उसको स्ट्रेट लाइन लेकर समझाता हूँ आपको, कि लेट एक लाइन है माइनस 10 से 10 में, ये पॉइंट अगर मैंने 5 ले लिया, तो देखो इसका एरिया क्या होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो इसकी जो वैल्यू ना वो तो 100 से भी कम आने वाली है। आप कोई भी पॉइंट लेके समझ लेना इसको, देन आप बोल सकते हो कि इसका जो एरिया है वो हमेशा 100 से क्या होगा, लेस होगा। तो ये बात तो ऑलवेज आपकी ट्रू होगी। बट इधर देखो, इसने लिखा है कि 0 से 10 fx dx s होगा, गलत, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। 0 से 10 में fx dx, इसका मीनिंग क्या है कि जो एरिया है वो इसने बोल दिया सीधा 0 से 10 fx dx, तो कब पॉसिबल होगा, जब fx 0 से 10 में कंप्लीटली पॉजिटिव फंक्शन है, हां उस केस में पॉसिबल होगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो प्रमोट लगाना पड़ेगा, तो सीधी गलत हो गया, तो ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसमें तो इसने उल्टा बोल दिया कि जो 0 से 10 में fx dx की वैल्यू है, तो 0 से 10 में fx dx ऑलवेज 100 से ग्रेटर होगा, यही है ना, अरे एरिया आपका लेस होगा 0 से 10 में, तो ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि fx अगर आपका माइनस 10 से 10 में डिफाइन है, अभी बात बताओ, अगर fx को मैंने नेगेटिव फंक्शन मान लिया तो बताओ इसकी तो वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो s लेस देन कैसे हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। और इस ऑप्शन को देखोगे तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, इसमें कौन बताएगा इसके अंदर क्या है, इसमें तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, बट ये केवल उसी केस में पॉसिबल है जब फंक्शन आपका कंप्लीटली नेगेटिव है या कंप्लीटली पॉजिटिव है। अगर कुछ पार्ट में नेगेटिव है और कुछ पार्ट में पॉजिटिव है, तो फिर ऐसे थोड़ी ना मोड लगाओगे, फिर तो सेपरेट सेपरेट मोड लगाना अपन को, ठीक है ना। तो इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू होगा, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ऑलवेज करेक्ट नहीं होंगे। तो उसने ये पूछा गया कि नॉट ऑलवेज करेक्ट, उसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपको टिक करना है। चलो अब बेटा इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की। तो देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, ए इस सर्किल का सेंटर है, तो देखो सेंटर क्या जाएगा, बोलो 1,
टू, ठीक है। और रेडियस भी लिख लेते फटाफट, रेडियस क्या होगी देखो, रूट एक चार बीस, तो इसकी रेडियस होगी फाइव, ठीक है ना, इसकी रेडियस आपकी फाइव है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सपोज दी टेंजेंट एट पॉइंट 1.7 4.-2 ऑन दी सर्किल मीट दी सी, देन एरिया ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज एन, तो एन अपॉन 15 इज। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली अपन को देखो जरा, एक सर्किल है जिसका सेंटर 1.2 है, एक रफली डायग्राम बनाया समझाने के लिए, ये इसका सेंटर बोला गया 1.2, ये पॉइंट तो लेना अपन को ए। अब आपको पॉइंट बी और डी पे टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो बी पॉइंट क्या होगा 1.7, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट आपका वन इधर होगा ना, तो ये 1.7 इधर लोगे, अब तो टेंजेंट क्या होगी पैरेलल टू दी एक्स एक्स, तो ये टेंजेंट हो जाएगी सिंपल वाई इक्वल टू सेम, इसको डायग्राम से देखोगे तो जल्दी कर पाओगे। और अगला डी पॉइंट है 4.-2, ये कहीं होगा इधर होगा, इस पे ही होगा ध्यान रखना, और इस पे टेंजेंट बनाई तो वैसे होगी, तो ये पॉइंट डी बोला गया, ये पॉइंट सी है, तो आपको एरिया कौन सा होता है ना जिसका, ये अगर टेंजेंट तो ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा। और अब आपको ये पता है कि अगर इस सेंटर को, सॉरी अपन को ये बताना है, ये एरिया बताना है, ठीक है ना, ए बी सी डी एरिया सेंटर से जॉइन करना, तो आपको पता है ए को अगर इस पॉइंट से जॉइन करोगे तो बोथ एरियाज आर इक्वल, तो क्या करोगे ट्वाइस ऑफ ए बी सी का एरिया, तो क्या लिखेंगे इसका एरिया होगा डेल्टा, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एबीसी, और ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे 1/2, अगर मैं इसको बेस सेलेक्ट करता हूं तो इसकी हाइट ये होगी ना, तो ये बेस तो क्या होगा इसका रेडियस, तो इसकी रेडियस तो कितनी है 5 इंटू, ये 2 से 2 चला गया, अब ये हाइट चाहिए मेरे को, मतलब ये लेंथ चाहिए, देखो इस लेंथ की क्या करना 0.4-2 पे इस टेंजेंट की क्वेश्चन ना t इक्वल टू 0, 4-2 पे टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी x(x1+y(y1)-2x+x1y2-4y+y1y2-20, 0। ये लिखने के बाद टेंजेंट की क्वेश्चन लिखने के बाद पॉइंट c के लिए जब आप y कोऑर्डिनेट को 7 पुट करोगे तो बेटा y 7 पुट करने पे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 16 आने वाला है, ये कैलकुलेशन करना, तो ये अगर 16 है तो देखो ये लेंथ क्या होगी, y तो सेम है ना, तो 15 आ जाएगी लेंथ, 1 है ये 16 है तो इसका डिफरेंस आ गया 15, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 15, तो 15 इंटू 5 क्या आ गया 75, तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो क्या होगा 75, तो 75 अपॉन 15 इज 5, तो इसका 5 आंसर आपको फिल करना है। चलो इसको डायग्राम से करना ज्यादा बेटर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस पार्ट एंड टेंजेंट एनी ऑफ द सर्कल दिस पार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की कितनी लाइन ऐसी हैं जो टेंजेंट टू एनी ऑफ द सर्कल, इन दोनों में से किसी भी सर्कल की क्या है टेंजेंट से। तो देखो सबसे पहले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, ये अगर L1 है, ये अगर L2 है, तो फैमिली ऑफ लाइंस का मीनिंग क्या है, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली काफी सारी लाइंस होगी, और ये क्या उसका इसका फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो जब आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे तो उससे अपन ये फिक्स्ड पॉइंट कर सकते हैं फाइंड आउट, इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या आगे 2x+3y-3=0 और ये आ गया 3x+y-0, तो क्या करो इससे एक्स वाई की वैल्यू के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3y सेम आ गया ना, तो इसमें से इसको माइनस करो, 9x-2x 7x-7x-, तो x इक्वल टू हो जाएगा इससे 0, क्या जाएगा x इक्वल टू, क्योंकि 3-3 0 आ गया ना, x को 0 लेने पे y आ गया 1, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा 0। अरे कर सकते हो ना, अब आप थोड़ा देखना ब्लैक बोर्ड पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो 0.1 है देखो इस फर्स्ट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, अरे इस फर्स्ट सर्कल का सेंटर ही 0 बने, देखो सॉरी सेंटर तो उसका 1.0 है, इसमें जब आप पॉइंट पुट करोगे 1.0 इसको क्या करता है सेटिस्फाई। इसका मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन ने एक बात बोली गई है कि जो आपकी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जितनी भी डॉटेड लाइन है इनमें से वो कितनी लाइन है जो इन दोनों में से किसी भी सर्किल की टेंजेंट हो, और जब आपको एक पता है चलो ये कोई भी लाइन है, ये अगर फर्स्ट सर्किल की टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका 0 बना रहा है, और ये 0 बने अगर इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब
एक टेंजेंट तो आपकी ये बन जाएगी इस पे। ये सिंगल टेंजेंट क्यों बनी है, क्योंकि पॉइंट आपका 0-1 है, तो फर्स्ट सर्किल के लिए टेंजेंट तो आपकी ये होगी। मेरी बात सुनो, फिक्स पॉइंट आपका 0-1 है और फिक्स पॉइंट लाइज ऑन दिस फर्स्ट सर्किल, तो 0-1 पे क्वेश्चन ने क्या बोला गया कि जितनी भी डॉटेड लाइन है उनमें से वो डॉटेड लाइन बताओ जो इन दोनों सर्किल में से किसी पे भी टेंजेंट हो। तो आप फर्स्ट सर्किल पे टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट आ रहा है वो 0 बनी आ रहा है, इसका मतलब ये जो सर्किल है आपका इसी पॉइंट पे इसको टच करेगा, तो एक टेंजेंट तो इस पॉइंट पर जाएगी आपकी। तो एक आंसर तो आ गया कि ये जो लाइन है आपकी ये फर्स्ट सर्किल पे टेंजेंट होगी 0-1 पे। ये आने के बाद अगले में क्या होगा, देखो ये 0-1 है उसको जब आप सेकेंड सर्किल में पुट करोगे, एस टू में 0-1 पुट करोगे ना, अरे 0-1 लेने पे देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मीनिंग ये पॉइंट आउटसाइड दी सर्किल है। मतलब ये पॉइंट अगर आउटसाइड है तो देखो क्या होगा, इसको समझाने के लिए इधर अपन दूसरा सर्किल मानते हैं। तो बेसिकली देखो आपको क्या लग रहा होगा इसमें कि इस पॉइंट से जो फैमिली ऑफ लाइंस पास होंगी, एक टेंजेंट ये हो सकती है और एक टेंजेंट, तो एक तो दिखी गई आपको, इस पॉइंट से जो फैमिली ऑफ लाइन है वो इस पॉइंट से पास होंगी, तो इस पॉइंट से जब इस सर्किल पे टेंजेंट बनाओगे तो वो इसी पॉइंट पे टच करेगी, क्योंकि 0-1 उस सर्किल को सेटिस्फाई करता है। तो एक आंसर तो इससे आ गया, और 1-0-1 से जो फैमिली ऑफ लाइंस पास कराओगे आप उनमें से दो लाइन ऐसी होंगी जो इसको टच कर सकती है यूं, क्योंकि ये पॉइंट 0-1 आपका बाहर है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका 3 आंसर है। बट इसमें होगा क्या बेसिकली, जब आप या तो एक काम करो, इस सेकेंड सर्किल का जो सेंटर है कितना है इसका सेंटर -2, -3, और ये जो 0-1 पे इसकी टेंजेंट है फर्स्ट सर्किल की, इस टेंजेंट पे जब ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो उसको टच करती है। अरे सिंपल सी बात ये कि ये जो फर्स्ट सर्किल के लिए 0-1 पे टेंजेंट है ये सेकेंड सर्किल को भी ऐसे टच करती है यूं, मतलब एक टेंजेंट टू ये और एक टेंजेंट ये, तो ये कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल की। तो आपको केवल इसके 2 आंसर अपन को फिल करने हैं, ठीक है। चलो देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द डायरेक्ट सर्किल ऑफ द पैराबोला दिस पार्ट टच द सर्किल दिस पार्ट देन आर इक्वल टू, मतलब इस पैराबोला का जो डायरेक्ट सर्किल है, और ये अपन को पता है कि पैराबोला का डायरेक्ट सर्किल इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, तो एक काम करें अपन इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो उसको स्टैंडर्ड लेट करने के लिए क्या लेट करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x के लिए उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू -8, 4a आपका 16 है तो a आपका 4 आ गया, और कैपिटल x की वैल्यू क्या है इसमें, x प्लस 7 इक्वल टू -4, तो डायरेक्ट से x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि दिस डायरेक्ट दिस टच दी सर्किल दिस पार्ट, तो क्या करना है, सर्किल का जो सेंटर हो कितना 1, -1, तो सर्किल जो सर्किल है आपका ये इसका सेंटर है और ये डायरेक्ट इसको टच करती है, तो देन सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या होगी, सेंटर पुट करो तो x को पुट करना है 1, y तो है नहीं इसमें, क्या जाएगा 12/1 का स्क्वायर इज 1, तो देन इसकी रेडियस क्या होगी बोलो 12, r को 12 फिल करना आपको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो बस ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी की, इसका डायरेक्ट्रिक्स इट्स इसका जो डायरेक्ट सर्किल है वो क्या होगा, इट्स डायरेक्ट्रिक्स होगी। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन 4 क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद द x एक्सिस इज दिस पार्ट देन लैम्डा, मतलब इसकी जो नॉर्मल कॉर्ड है, इधर देखो थोड़ा इसको समझते हैं, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पे आपने नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ की, मतलब ये इस पे नॉर्मल है, तो क्या लेट करें, तो इस नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ बतानी है अगर ये x के साथ एंगल बनाती है पाई बाय 3, तो इसको पॉइंट लेट करते अपन क्या, t1 square, 2t1, ठीक है ना, x को t1 square लोगे तो y आगे 2t1, और ये पॉइंट लेट करते अपन t2 square, 2t2, ये लेट करने के बाद एक काम करो, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से p2 डिस्टेंस क्या होगी, देखो अंडर रूट ऑफ t2 square - t1 square, वैसे ये सीधा याद रखना चाहिए, प्लस अगला करने पे 4 तो कॉमन आ गया, ये आ गया t2 - t1 का होल स्क्वायर, तो आप थोड़ा ढंग से देखो इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, t2 - t1 का स्क्वायर एंड t2 + t1 का स्क्वायर, तो t2 - t1 का स्क्वायर जब बाहर कॉमन लोगे तो pq की लेंथ क्या होगी, मोड ऑफ t2 - t1 और रूट ऑफ
T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस के, अपन को इनकी वैल्यू पुट करनी है। इनकी वैल्यू के लिए देखो क्या करना है, इस नॉर्मल का स्लोप आपको पाई बाय 3 गिवन है, तो एक काम करें, स्लोप का मतलब टेन थीटा, तो टेन पाई बाय 3 क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ t2 माइनस t1 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस के t1 स्क्वायर। तो देखो t2 माइनस t1 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 अपॉन t2 प्लस t1, तो देन ही आ गया 2 अपॉन t2 प्लस t1 इक्वल टू रूट 3। तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे t1 प्लस t2 आ गया 2 अपॉन रूट 3। ये लो इससे देखते हैं इसका यूज क्या होगा, t1 प्लस t2 आ गया 2 अपॉन रूट 3। तो अपन एक काम तो ये कर सकते हैं, t1 प्लस t2 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 पुट करोगे तो क्या आ गया मॉड ऑफ t2 माइनस t1 इक्वल टू रूट ऑफ, देखो 2 अपॉन 3 तो 4 अपॉन 3 प्लस 4 तो 4 3 12 तो क्या आ गया 16 रूट 3, तो आ जाएगा रूट 16 अपॉन रूट 3 और मॉड ऑफ t2 माइनस, ठीक। इतना आने के बाद अब देखो अपन को आगे क्या करना है, t2 माइनस t1 की वैल्यू और चाहिए अपन को, तो एक काम करें, अपन को ये पता है कि पॉइंट P पे नॉर्मल पॉइंट Q पे मीट करता है, तो देन t2 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के t1 माइनस के 2 अपॉन t1। अब आप देखो t1 को उधर लेके आओगे तो क्या आ गया t1 प्लस t2 आ गया बेटा माइनस के 2 अपॉन t1, और अब आप देखें t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 3, तो जब इसको 2 अपॉन रूट 3 लोगे तो सिर्फ t1 आ गया माइनस के रूट 3, तो t1 तो आ गया माइनस के रूट 3 और t1 की वैल्यू को पुट करोगे माइनस के रूट 3 तो देखो क्या रहा है, इससे t2 क्या जाएगा, दोनों वैल्यू जाएंगी ना आपको, या फिर चलो कर देते क्या दिक्कत है, तो t2 क्या जाएगा देखो माइनस के रूट 3 माइनस के 2 अपॉन रूट 3, लेकिन माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो देने क्या जाएगा बताओ 5 अपॉन रूट 3। ये आने के बाद ये प्लस हो गया ना, क्योंकि t1 की वैल्यू नेगेटिव है, तो रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 3 तो 5 अपॉन रूट 3, और ये वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे तो t2 तो आपका है 5 अपॉन रूट 3 और t1 है आपका माइनस के रूट 3, तो देखो इधर आओ ये आ गया इक्वल टू 5 अपॉन रूट 3 माइनस माइनस प्लस रूट 3 और ये आ गया रूट 16 अपॉन रूट 3, तो देखो रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 8 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3 रूट 16, तो देन लैम्डा की वैल्यू क्या फिल करनी है अपन को 16 फिल करनी है, तो इसका आंसर 16 करेक्ट होगा। चलो और उसके बाद आपको फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 10 की पावर x और एक gx फंक्शन है log ऑफ 10 बेस x अपॉन 10, h1x का मीनिंग है g ऑफ fx और h ऑफ nx गिवन है h(n-1x), इसका मीनिंग क्या है कि जब आप n को इसमें 2 पुट करोगे तो h2x क्या होगा h1hx, मतलब आपको कंपोजिट फंक्शन को करना है फाइंड आउट। तो देखो एक काम करते हैं, इसमें पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप h1x की बात करोगे तो h1x का मीनिंग क्या है g ऑफ fx, मतलब आपको g के अंदर fx को पुट करना है, तो g के अंदर जब fx लोगे तो क्या आएगा log 10 बेस fx अपॉन 10 और fx की वैल्यू गिवन है आपको 10 की पावर 10x, तो ये आ गया log ऑफ बेस में 10 है 10 की पावर 10x और अपॉन में 10 है, तो इस पावर को न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या गया बेस इक्वल टू पावर को ऐड कर सकते हैं, तो आ गया 10 की पावर 10x माइनस 1, इसको लॉग में आगे ला सकते तो 1 हो गया, तो सिंपल आपका h1x आ गया बेटा 10x माइनस 1, ये आ गया h1x। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें अगर आप n को 2 पुट करोगे आपका तो h2x क्या होगा देखो h1x, मतलब आपको h1 के अंदर अगेन h1 पुट करना है, तो ये क्या देखो इक्वल टू 10h1x, तो h1x की वैल्यू वंस अगेन क्या पुट करोगे 10x माइनस 1 और ये क्या होगा माइनस 1, तो देन ये आ गया 10 स्क्वायर x माइनस 10 माइनस 1। सिमिलरली जब आप बात करोगे h3x की तो देखो सिमेट्री से h3x क्या कर सकते हैं, आप एक बार चाहो तो वंस अगेन x की जगह क्या पुट करो 10x माइनस x, तो जब 10x माइनस x लोगे तो क्या होगा 10 स्क्वायर 10x माइनस x 10x माइनस 1 माइनस 10 माइनस 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 10 क्यूब x माइनस 10 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1, ठीक है।
मतलब इससे पता चल गया एच टू में टू है और ये टेन माइनस वन है, एच थ्री में टेन क्यूब एक्स, टेन स्क्वायर टेन वन है। तो जब एच एन एक्स की बात करोगे आप, तो देखो एच एन एक्स में अपन क्या ले सकते हैं, एच ऑफ एन एक्स इक्वल टू ये आ गया टेन की पावर एन एक्स माइनस, इसमें क्या होगा एक पावर कम तक जाना है अपन को, मतलब माइनस कॉमन लोगे तो आ गया वन प्लस टेन प्लस टेन स्क्वायर डॉट 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 टेन की पावर एन माइनस वन, और ये आपकी जीपीए इन टर्म्स की, तो इसको सोल्व करते हैं तो देन ये आ गया टेन की पावर एन एक्स माइनस, फर्स्ट टर्म इसकी ए वन है और कॉमन रेशियो आर है, मतलब टेन है आपका और नंबर ऑफ टर्म्स क्या एन है, तो ए तो वन आ गया, टेन की पावर एन माइनस वन अपॉन नाइन, तो देन आपका फंक्शन आ गया टेन की पावर एन एक्स माइनस। ये आने के बाद अब देखो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माइनस वन से वन एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस वन एक्स डी एक्स, ये आपका आई एन है और आई एन को इधर पकड़ के बताना है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो चलो देखते हैं एक बार, ये आपका एच एन एक्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, एच एन प्लस वन एक्स की बात करो, तो क्या करोगे एन को रिप्लेस कर दो एन प्लस वन से, तो टेन की पावर एन प्लस वन एक्स माइनस, ये आ गया बेटा टेन की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन। अब जो इंटीग्रेशन है वो क्या, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यह जाएगा आई इक्वल टू माइनस वन से वन, इसमें से जब ये माइनस क्यों क्या आएगा टेन की पावर एन माइनस टेन की पावर एन प्लस वन एक्स, और इसमें से ये माइनस क्यों, देखो एक काम करते हैं, इधर तो आ रहा माइनस के वन बाई नाइन, इधर आ रहा है प्लस के वन बाई नाइन, ठीक है ना भाई, जब माइनस करोगे तो क्या होगा ये माइनस ये प्लस, तो देन क्या होगा देखो माइनस के वन बाई नाइन और प्लस के वन बाई नाइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आ गया माइनस टेन की पावर एन अपॉन नाइन और प्लस टेन की पावर एन प्लस वन अपॉन नाइन। तो देखो फाइनली क्या होगा, माइनस ए से ए में ये कॉन्स्टेंट है, एक्स आपका और फंक्शन है तो चला जाएगा आपका जीरो में, तो ये तो क्या आ गया बोलो जीरो। तो फाइनली अपना रिमेनिंग पार्ट देखो क्या आने वाला है, ये आ गया आई एन इक्वल टू माइनस वन से वन, इसमें जब आप टेन की पावर नाइन कॉमन लोगे तो ये ब्रैकेट में आ गया टेन माइनस वन, ये नाइन से नाइन कैंसिल, तो देन आपका आई एन क्या आ गया टेन की पावर एन कॉन्स्टेंट है तो माइनस वन से वन में डीएक्स की वैल्यू क्या होगी टू, तो अपना आई एन आ गया टेन की पावर एन इंटू टू। अब देखो फाइनली अपन से वैल्यू किसकी पूछी गई है, इसमें सिग्मा या सॉरी टू सॉरी नाइन अपॉन ट्वेंटी सिग्मा एन इक्वल टू वन से 2011 आई एन, और आई एन का मीनिंग है टू डॉट टेन की पावर एन और प्लस करना है आपको वन, ठीक है, इसको अपन को फाइनली क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, टू तो कॉमन और वन से लेके 2011 पुट करोगे तो क्या बन गए अगेन आपकी जीपी बनने वाली है, तो जब इसमें जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप क्या करोगे जीपी का फॉर्मूला अप्लाई, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और ये वैल्यू आने वाली है 10 की पावर 2011। तो इसमें बोला गया कि इसकी वैल्यू गिवन है 10 की पावर n और 10 की पावर n में n का मीनिंग होगा 2011 और उसमें से जब आप 2000 माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 11। चलो बेटा थैंक यू।